तो नई शिक्षा नीति पर यह बहुप्रतीक्षित सेशन शुरू होने जा रहा है। और दोस्तों यकीन करिए, जब सेशन खत्म होगा तो आपको लगेगा कि आज आपने शायद कई न्यूज चैनलों पे देखा होगा, इवन शायद आपने राज्यसभा टीवी पे भी देखा होगा दोस्तों, पर अब तक ये सबसे दमदार सेशन होगा। आई कैन अश्योर यू दैट आपको हर बारीकी होगी चंद्रा इंस्टीट्यूट की नजर और होगा एक विश्लेषण दोस्तों। पर हाँ, इतना जरूर आपकी उत्सुकता के लिए कह देना चाहूंगा कि मैं अभी यही आशीष सर से बात कर रहा था कि मुझे वो हिंदी की कहावत याद आ गई है, घाट घाट का पानी पीना। आप सोचेंगे सर ये क्या कह रहे हैं, तो दोस्तों जिस कस्तूरी रंगन एंड हिज टीम द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फाइनल ड्राफ्ट की, दोस्तों उन्होंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत रिसर्च किया है और दोस्तों एकदम पूरी शिक्षा व्यवस्था को रिवैम्प कर दिया है, पुनर्गठन कर दिया है। तो दोस्तों आइए, और हाँ ध्यान रखेंगे, आप में से काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर क्या इसमें कुछ बहुत गलत है, तो आपको ये बात बता दूं, इस शिक्षा नीति में नथिंग इज रॉन्ग विद टीचिंग, टीचर्स के लिए कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों, कुछ सिस्टम है चेंज किए गए हैं। तो आइए दोस्तों, आपकी उत्सुकता को बिना रोके हुए मैं चाहूंगा, जस्ट डोंट वेस्ट टाइम इन जस्ट ब्लडी टॉकिंग, बातचीत में फालतू समय नहीं गुजारेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, क्या है इस शिक्षा नीति की प्रमुख बातें। दोस्तों जस्ट इस लेक्चर की शुरुआत करने के लिए ऑलरेडी आशीष सर आएंगे जो आपको एक नजर सारे पॉइंट्स दिखाएंगे दोस्तों, और उसके बाद मैं आऊंगा, मैं आपको दोस्तों डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं आपको बहुत ही गंभीर व्याख्या दूंगा, क्या परिणाम होंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों लेक्चर के लिए रुके रहेंगे एंड आई एम गोइंग टू कॉल आशीष सर को, मैं बुलाना चाहूंगा एंड आशीष सर को मैं स्टूडियो में वेलकम करूंगा एंड सर इज गोइंग टू टेक फ्रॉम हियर गाइस, यहां से सर शुरुआत करेंगे। तो आशीष सर का स्वागत करते हुए दोस्तों लोगों को बुलाना चाहूंगा सर। तो आशीष सर इज गोइंग टू लीड हियर, सर आई थैंक यू सर। चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। और लगातार यहाँ पे कमेंट्स भी आ रहे थे नई शिक्षा नीति के, लगातार आपके मैसेज भी आ रहे हैं, लगातार आपके कॉल्स भी आ रहे थे। और आपको एक बात पता है कि चंद्रा इंस्टीट्यूट बिना प्रमाणिक जानकारी, चंद्रा इंस्टीट्यूट बिना एनालिसिस किए वह किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है। और दोस्तों हमने और आरपी सर ने लगातार विश्लेषण किया और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग किया जो आपके मायने रखता है, वे सभी आपके जिज्ञासाओं वाले प्रश्न। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी आपकी जिज्ञासा का प्रश्न है कि क्या अब शिक्षा में इंटरव्यू को शामिल किया जाएगा, जो गैर राजपत्रित चीज है क्योंकि शिक्षा नीति में इसको मेंशन किया गया। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आवश्यक डायमेंशंस हैं जहां पे कि टीटी के बारे में क्या कहा गया, वो सारी चीजें आज यहाँ पे शामिल की गई है। और एक बेहतर एक्सप्लेनेशन या एक बेहतर एनालिसिस को जैसे ही आप समझते हैं, जो शिक्षा नीति आपको 2020 की पूरी तरीके से आपको कंफर्म हो जाएगी, पूरी क्लियर जाएगी। इस क्लास की शुरुआत करते हुए सिर्फ एक शब्द कहेंगे दोस्तों, यह संघर्ष की गाथा है। और संघर्ष की परिभाषा सिर्फ इतना है कि यह शिक्षा नीति मूल रूप से शिक्षकों के परिदृश्य में आई है। और शिक्षक से कहते हैं या शिक्षक वह होता है जो एक मोमबत्ती की भांति उसकी तुलना की जाती है कि वह अपने शरीर को गलाता समाप्त करता चला जाता है और उससे दूसरों के जीवन को प्रकाशित करता चला जाता है। सबसे पहली बात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात इस पॉलिसी की यही है कि इसके तहत शिक्षा मंत्रालय, मतलब इसके तहत यहां पर क्या किया गया कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल करके कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। अब शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से आगे कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से परिवर्तन के आधार पर चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी, इस क्रम पर आप ध्यान दीजिएगा कि पहले मतलब अभी तक जो हायर सेकेंडरी आप बोलते थे 10+2 की शिक्षा प्रणाली, अब वो बदल करके हो क्या गई है दोस्त, 5+3+3+4 में विभाजित हो गई है। और आपको ये जानना पड़ेगा ये +5 क्या है, +3 क्या है, +3 क्या है और +4 क्या है। अगर इस +5 में सबसे पहले अगर हम 5 की बात करते हैं तो देखिए, वह पहला वर्ष जब बच्चा विद्यालय में आएगा तो वह उसकी उम्र कितने वर्ष होगी, 3 वर्ष होगी।
तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, इसको क्या कहा गया? इसको प्री प्राइमरी कहा गया, या इसको यहां पे क्या कहा गया? यह पूर्व प्राइमरी शिक्षा या प्री प्राइमरी शिक्षा के नाम से यहां पर इसको संबोधित किया गया इस न्यू पॉलिसी के अंतर्गत। और इसको सीधा सीधा नाम क्या दे दिया गया? इसको सीधे सीधे तौर पर कह दिया गया क्या? फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन का मतलब क्या है? न्यू तैयार करना, मतलब बच्चे को आगे के जीवन में तैयार करने के लिए उसको मजबूती प्रदान करना, बच्चे को एक ऐसी श्रृंखला से जोड़ना आने वाले दिनों की चुनौती के लिए वो क्या हो सके? तैयार हो सके। क्या कह रहा है? इसका उद्देश्य क्या रखा गया? ध्यान देना है कि किताबी बोझ को कम करना और व्यवहारिक जीवन में क्या शिक्षा की नींव को रखना, व्यवहारिक जीवन से क्रियाकलापों को जोड़ करके आगे की ओर बढ़ाना। ये अब देखिए, इसमें प्रथम तीन वर्ष प्री स्कूली शिक्षा और कक्षा एक आपके किस वर्ष में आएगा? स्कूली जीवन का चौथा वर्ष। और कक्षा दो कहां पर होगा? पांचवे वर्ष स्कूली शिक्षा में कक्षा एक और कक्षा दो। तो मतलब इसको आप जैसे आप कहते हैं ना खेल विद्यालय जिसको आप बोलते थे, तो उस तौर पर खेल के माध्यम से शिक्षा देने के लिए बच्चों को पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, अर्थात मतलब जो तीन साल का बच्चा होगा वो पहले दूसरे तीसरे वर्ष वो खेल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेगा, इसके बाद वह पहुंचता है पहली और दूसरी कक्षा में। ठीक है, चलिए अब यहां पर आगे ध्यान दीजिएगा कि जब इसके बाद प्लस थ्री आता है तो प्लस थ्री क्या है? कक्षा तीन, कक्षा चार और कक्षा पांच। कक्षा तीन, चार, पांच। अब इसका क्या उद्देश्य रखा गया? ये कक्षा तीन, चार, पांच में ये जो प्लस थ्री है, इस एजुकेशन, इसमें शिक्षा देने का उद्देश्य रखा गया कि आप बच्चों को किसके लिए तैयार करो? भविष्य के लिए तैयार करना। भविष्य के लिए तैयार करने का मतलब यही है कि वह बच्चा बड़ा होकर के किस क्षेत्र में जाएगा, कैसे आजीविका के साधन प्राप्त करेगा, बहुत सारे ऐसे डायमेंशन इसको यहां पर क्या करना, शामिल करना। अब इसमें क्या क्या है? बच्चे को प्रारंभिक समझ एकीकृत माध्यम से विज्ञान का, गणित का, कला, सामाजिक ज्ञान, और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मानविकी जिसको आप ह्यूमनिस्टिक बोलते हैं, विषय से क्या करना, एक प्रारंभिक परिचय कराना, मतलब ऐसे का लेन देन क्या होता है, नोट सिक्के किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे चीजें, हमें पत्तियों से वो जो मिलती है वायु या उनकी औषधियों का क्या उपयोग है, ऐसे बहुत सारे डायमेंशन हमें यहां से आसानी से सीखने को मिलेंगे। ये बात किसका कर रहा है? फाइव के बाद प्लस थ्री की बात कर रहा है, जहां पे कक्षा तीन, कक्षा चार और कक्षा पांच चीजें जुड़ जाएंगी। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद फिर से प्लस थ्री की बात किया है, और यह प्लस थ्री जिसको आप मिडिल स्कूल बोलते हैं, कक्षा छठवीं, कक्षा सातवीं और कक्षा आठवीं, ये कक्षा छह, सात, आठ जो मिडिल स्तर का होता है, इसके लिए एक आपके शिक्षा नीति में स्पष्ट बातें कही गई क्या कि एक निश्चित पाठ्यक्रम पर अब अध्ययन कराया जाएगा, जहां बच्चे को व्यवहारिक शिक्षा खेल के आधार पर दे रहे थे, गतिविधियों के आधार पर दे रहे थे, अब धीरे धीरे बच्चे को विषय विशेष की ओर अब आगे बढ़ाया जाएगा। और यह बढ़ाना हमारा कहां? प्लस थ्री, जो हमारा फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री, मतलब कक्षा छह, सात और आठ के बिंदुओं में। क्लियर हुआ? चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। आगे क्या कर रहा है? अब लास्ट के प्लस फोर में आएंगे, और लास्ट के प्लस फोर की बात करेंगे, तो प्लस फोर कक्षा नौ, कक्षा दस, कक्षा ग्यारह और कक्षा बारह। अब ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि विश्लेषण क्षमता को बढ़ाना। विश्लेषण क्षमता का मतलब क्या है? तर्क वितर्क करना, सही गलत करना इत्यादि, जो गुण दोषों के आधार पर किसी चीज को देखना, अब इस आधार पर विषय वस्तु के प्रति समझ बढ़ाने और बड़े लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना। बड़े लक्ष्य का मतलब क्या है? जीवन का वह गोल, अब धीरे धीरे उसको बच्चा इसी प्लस फोर स्टेज से ही प्राप्त करने लगेगा, तो लंबे समय तक अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब वो प्रयास करेगा तो वह बच्चा निश्चित तौर पर लास्ट में उन कठिनाइयों चंद्रा इंस्टीट्यूट, जो जीवन के लास्ट में यहां पर कैरियर की का चयन करके उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और क्या कहा गया? संकाय व्यवस्था समाप्त। स्ट्रीम होता था ना, कला वर्ग, यहां पे वाणिज्य वर्ग, विज्ञान वर्ग, इसको समाप्त किया गया और अब नए पुल का निर्माण किया जाएगा। नए पुल का मतलब क्या है कि कला, जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे एक संकाय है कला, आठ वर्ग बोलते हैं, और एक वर्ग है विज्ञान,
तो कला वर्ग का बच्चा विज्ञान वर्ग के किसी एक विषय में अगर वह रुचि रखता है तो पुल का मतलब है कि आयोग के द्वारा एक ऐसा यहां पर पुल तैयार किया जाएगा जिसमें कला के विषय के साथ शामिल होंगे क्या विज्ञान के भी, और वह इसके समायोजन या इसे समायोजन के आधार पर वो अपनी आगे की पढ़ाई को सुनिश्चित कर सकेगा, अपनी पढ़ाई को आगे की ओर वह लगातार बढ़ा सकेगा। क्लियर हुआ? चलिए, ये तो थी क्या, ये तो हम बात कर रहे थे आपसे कि जो 5+3+3+4 की बात जो की जा रही है, हमने मूल बातें हमने इसकी क्या, अब आगे देखिए क्या है। हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सीधे सीधे और सबसे ज्यादा चर्चा का जो विषय बना हुआ है कि पांचवी तक की शिक्षा उनकी मातृभाषा में या उनकी बोलचाल की भाषा में होगा। अब देखिए वह सीबीएसई बोर्ड, वह आईसीएसई बोर्ड जो जिनके माता पिता तक को अंग्रेजी नहीं आती है, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे थे, उनके भ्रम को तोड़ते हुए इस नई शिक्षा नीति में साफ कहा गया कि आप जहां पर, जैसे आप यूपी में पढ़ा रहे हैं तो यूपी में हिंदी, आप बिहार पढ़ा रहे हैं वहां का जो रीजनल लोकल लैंग्वेज है, वो बच्चे की जो मातृभाषा है या जो उस पास पड़ोस परिवेश बोले जाने वाली भाषा है, उस भाषा में अब बच्चों को पांचवी तक की कक्षा के लिए शिक्षा प्रदान किया जाएगा। और अंग्रेजी क्या होगा, अब अंग्रेजी को जो अनिवार्य बोलचाल की भाषा यहां पर मानते थे, अब अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं होगी कि आप पढ़ेंगे कक्षा 5 तक अंग्रेजी में ही, और अंग्रेजी नहीं आ रहा तो सीबीएसई आईसीएसई स्कूल में आपका एडमिशन नहीं होगा। इस भ्रम को दूर करते हुए उसने कहा अंग्रेजी अब एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। और बार बार यहां पे ये हो रहा था ना कि अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़ गए, इस लाइन को यहां पे क्या कर रहा है, साफ साफ सैटिस्फाई कर रहा है। आगे की लाइनें क्या करें, कह रही कि छठवीं कक्षा से कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर कोडिंग भी सीख सकेंगे। अब देखिए प्रारंभिक स्तर पर जैसे चीन वगैरह में आपने देखा होगा कि बच्चे जैसे कक्षा 5-6 में ही जा रहा तो वो व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, मोबाइल बनाना सीख रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग सीख रहे हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो यह कक्षा 6वीं से ही क्या होगा, अब कंप्यूटर सीखें, उसकी कोडिंग करें, ऐसे व्यावसायिक क्रियाकलाप की ओर आगे बढ़ने की उनको क्या किया जाएगा, उसके लिए प्रेरित किया जाएगा, उसके लिए बच्चों को तैयार किया जाएगा। ये बात कर कौन रहा है, ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात कर रही है। फिर क्या कर रहा है, विशेष रुचि होने पर इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जाए। इंटर्नशिप क्या है, ध्यान दीजिए आप, जैसे बच्चे को किसी पेंटिंग में रुचि है, बच्चे को साहित्य में रुचि है, तो बच्चे को उस प्रकार के व्यावसायिक संस्थान के माध्यम से वो सीखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसी बात को साफ साफ लिखा है क्या कि विशेष रुचि होने पर, उसमें उसकी जिज्ञासा होने पर बच्चे को इंटर्नशिप मतलब वह करने वह सीखने का पूरा पर्याप्त अवसर वह पूरा पर्याप्त समय प्रदान किया जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे क्या कर रहा है, कह रहा है 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली द्वारा या मॉड्यूल आधारित होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक सबसे बड़ी बात यहां पर क्या होती थी कि बच्चा जैसे 10वीं पास करना है, मतलब बच्चा 10वीं में एडमिशन लिया, 9वीं में मतलब वह 9 में है, तो 9वीं की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहा है, वो 10वीं के प्री बोर्ड की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहा है, वो 10वीं के फाइनल की तैयारी कर रहा है। तो अब आगे के लिए क्या कर रहा है कि कक्षा 9 में ही 2 सेमेस्टर हो जाएंगे, कक्षा 10 में 2 सेमेस्टर हो जाएंगे, और दोनों सेमेस्टर के अंक को जोड़ करके फाइनल उसको यहां पर अंक प्रदान किया जाएगा। तो उसको प्री बोर्ड में भी उतना मेहनत करना पड़ेगा अच्छे प्रदर्शन के लिए जितना वह फाइनल के लिए करता था, मतलब उसको दोनों सेमेस्टर में समान। लेकिन ये चीजें अभी क्या है, ये चीजें आगे की संतुति के लिए रखी गई है, ये चीजें इस पे अभी एक गाइडलाइन स्पष्टीकरण अभी आगे और देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या करें, कह रहा छात्रों के व्यवहार उनके पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अवलोकन पर विशेष ध्यान होगा। देखिए अभी तक शिक्षा में जो सबसे विशेष ध्यान दिया गया कहा कि बच्चे की कॉपी जांची गई और ए फार एप्पल लिखा है बच्चा तो उसको 5 नंबर दिया गया, और ए फार कुछ और लिख दिया तो उसको 0 नंबर दे दिया गया, तो क्या इसका मतलब वो ए के बारे में कोई रुचि नहीं रखता है? ये जो आकलन का गलत तरीका था, इस
पर एक स्पष्ट लाइन लिखते हुए क्या कहा कि छात्रों के व्यवहार मतलब कक्षा में किए गए उनके समस्त प्रकार की एक्टिविटी, उनके पाठ्य सहगामी क्रियाएं, खेल में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, अन्य क्रियाकलापों में बच्चे ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, इन सब के अवलोकन के आधार पर अब क्या किया जाएगा, उनके रिजल्ट को प्रभावित किया जाएगा, उनके रिजल्ट का निर्णय किया जाएगा। क्या कर रहा है? कह रहा है रिजल्ट का निर्माण बालक के समग्र अवलोकन मतलब केवल आंकिक पक्ष, उनके केवल ज्ञान के पक्ष को नहीं बल्कि उनके समस्त प्रकार की एक्टिविटी, उसके सोच समझ व्यवहार क्रियाकलाप ज्ञान सब के माध्यम से यहां पर क्या किया जाएगा, रिजल्ट का निर्माण किया जाएगा। यह एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही बेहद सकारात्मक कदम होगा अगर इन चीजों को धरातल पर लाया जाता है तो। आगे क्या करा है कि रिपोर्ट का कार्ड 360 आकलन एवं अनुकूलित आकलन के आधार पर किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड का निर्माण, भाई आप गणित पढ़ते हैं, आपको पवन सर ने बार बार बताया है, जैसे ये देखिए हमने एक ये पाई खींच दिया तो ये कितना अंश है, 180 अंश है, ये 180 अंश है, भाई हमने एक वृत्त है ऐसे इसमें खींच दिया 180, ये तो सामने का दिख रहा है, पीछे का भाग आपने आधा क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो 180 अंश वो भी क्या है, पीछे है, तो ये टोटल कितना हो गया, मतलब संपूर्ण अवलोकन भाई जब पूरा पूरा घूमेगा तभी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 360 अंश, तो मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व का, संपूर्ण व्यवहार का एक समग्र जो अवलोकन होगा, इसी के आधार पर आगे रिपोर्ट कार्ड बच्चे का तैयार किया जाएगा। क्लियर हुआ दोस्त? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा आगे देखें तो देखिए क्या कर रहा, परीक्षा अपने पसंद की भाषा में, जैसे आपको क्या है, आप सीबीएसई की कक्षा में हैं और आप सीबीएसई की कक्षाओं में अगर उत्तर आप अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं तो आपको काट करके लड़ुआ पकड़ा दिया जाए, मतलब कहते हैं जिसको सुनना, अब ऐसा नहीं होगा। साफ साफ गाइडलाइन में लिखा है कि परीक्षा अपने पसंद की भाषा, हमें अच्छी हिंदी आती है तो हम उत्तर लिखेंगे किसमें, हम हिंदी में लिखेंगे, अब किसी प्रकार की ऐसी बाध्यता आपको नहीं दी जाएगी। क्लियर है? मतलब आपको क्या होगा, अपने पसंद की भाषा में उत्तर देने की पूरी तरीके से आजादी होगी, पूरी तरीके से स्वतंत्रता। आगे क्या करें, छात्र स्वयं अपना व उनके सहपाठी शिक्षक तीनों मिलकर प्रत्येक विद्यार्थी का क्या करेंगे, अवलोकन। देखिए अवलोकन को सुगम बनाते हुए क्या कहा, कहा स्व आकलन। स्व आकलन का मतलब क्या, मैं खुद अपना यहां पर क्या कर रहा हूं, अपने गुणों दोषों कमियों के बारे में ध्यान दे रहा हूं, मेरे सहपाठी वो अपने पर ध्यान देने के साथ मेरे पर भी ध्यान दे रहे हैं, उनका भी अवलोकन दर्ज किया जाएगा। और वो अवलोकन कौन करेगा, शिक्षक, मतलब त्रिस्तरीय अवलोकन, इसको मिला करके तब बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा ताकि व्यवहारिक कमी, व्यवहारिक समस्याएं उभर करके सामने आए और उसको पटल पर रख करके बच्चे को बेहतर जीवन निर्माण के लिए आगे की ओर बढ़ाया जा सके। क्या कह रहा है, सीएटी प्रणाली लागू, मतलब वो साफ साफ क्या कर रहा है, सीएटी प्रणाली लागू। अब देखिए सीएटी प्रणाली क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहा है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्या है, जैसे आप कक्षा 12वीं में ये निर्धारित है कि आप 50% अगर अंक ले आए और आपने 50% अंक नहीं ले आया, आप तो कहते हैं फेल हो गए या आपका अब आगे ग्रेजुएशन आप नहीं कर पाएंगे, तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की यहां पर व्यवस्था की। ये क्या करेगा, ये आपको जितने अंक आपने यहां पे पाया, हमने माना आपने 45 पाया है, अब आपसे ये क्या करेगा, सीएटी करा लेगा, आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और ये नंबर आपके इसी 45 में जोड़ करके अब आपके क्या किया जाएगा, आपके रिजल्ट को और मतलब समग्रता को शामिल करके आपको आगे वाली कक्षाओं के लिए क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, आगे की कक्षाओं से जोड़ दिया जाएगा। तो सब मिलाकर के जो अंक देने लेने की प्रक्रिया है अब उस पर धीरे धीरे आयोग क्या कर दिया, जैसे आरपी सर ने कहा ना कि उसने घाट घाट का पानी पिया है, उसने हर व्यवहारिक समस्या, हर व्यवहारिक कमी का पता लगाया और इसी के आधार पर सीएटी लगाया गया, मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप 12वीं में फेल हो जाते हैं तो आगे ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन लेने में जो जटिलता होती थी, हम इसी सर्टिफिकेट पे लेंगे, अब ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को जोड़ करके आगे की ओर आपको एडमिशन दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए अच्छा, अभी तक तो बात यह हो रही थी कि आया क्या है और आपके मन के अब जिज्ञासाओं वाले प्रश्न आ गए,
कि कॉलेज स्तर पर अब क्या होगा, तो देखिए मल्टी इंट्री मल्टी एग्जिट की व्यवस्था लागू की गई है। मल्टी इंट्री और मल्टी एग्जिट क्या है, आप समझिए बात को। जैसे आप बीए कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं और साथ में आपको कोई अन्य कोर्स की आपको मतलब करने की इच्छा है, जिज्ञासा है, आपने इसको शुरू किया, जैसे इसके प्रथम साल में आपने शुरू कर दिया लेकिन लगा कि ये इसके साथ मैं नहीं कर पा रहा हूं, आपने छोड़ दिया, आपने इसको छोड़ दिया, तो आपने क्या किया कि मतलब मल्टी कोर्स से आपने एग्जिट कर दिया। ये आपका अब अभी तक क्या होता है कि ये वहीं पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आपको इसे जब भी शुरू करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे, शून्य से। लेकिन नहीं, ये आपका क्या होगा, ये जहां तक आप इसको पहुंचाए रहेंगे इतना आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जाकर के जुड़ जाएगा। और जब भविष्य में आप इसे शुरू करेंगे तो आप जैसे इसके 15% किए थे तो अब 16% से आप इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए क्या किया गया, एकेडमिक क्रेडिट बैंक जैसी डिजिटल लॉकर की व्यवस्था की गई। ये पूरी तरीके से बताया गया कि ये एजुकेशन प्रणाली को डिजिटल बना करके भविष्योन्मुखी किया जाएगा, भविष्य में आने वाली चुनौतियां जो अभी आ रही चुनौतियां आगे आएंगी उसके लिए अनुकूल बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ग्रेजुएशन वर्ष के आधार पर जो शैक्षिक उपलब्धि है, जैसे यहां पर अभी तक आप क्या था, जैसे हमने ये माना कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन नॉर्मली 3 साल का होता है, आप पहले 1 वर्ष पर ग्रेजुएशन छोड़ दिए, 2 वर्ष पर ग्रेजुएशन छोड़ दिए तो आपके उस ग्रेजुएशन का कोई मतलब नहीं निकलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, साफ कह रहा है कि ग्रेजुएशन में उपलब्धि प्रत्येक वर्ष के आधार पर दी जाएगी। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन को केवल 1 वर्ष किया तो हम कह देंगे कि आपने ग्रेजुएशन में कैसा कोर्स किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है। अगर आपने 2 वर्ष ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है तो इसका मतलब कि आपने क्या किया, ग्रेजुएशन में आपने डिप्लोमा किया है। और अगर 3 वर्ष आपने क्या कर लिया कि ग्रेजुएशन किया तो आपकी बैचलर डिग्री मानी जाएगी। और 4वें वर्ष के लिए ऑप्शनल रखा गया, जैसे एमफिल करना चाहते हैं, अन्य प्रकार के शोध करना चाहते हैं, तो अगर ये शोध के आधार पर 4वें वर्ष को पूरा करते हैं तो ये डिग्री के साथ आपका और कौन सा जुड़ जाएगा, रिसर्च कोर्स जुड़ जाएगा। ये एक बेसिक और कह सकते हैं ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जुड़ा है ऐसे लोगों के लिए जो व्यवसाय या आर्थिक यहां पर कह सकते हैं कि जो उनको सहायता नहीं मिल पाती या आर्थिक उपलब्धता न होने के कारण 1 साल बीए किया छोड़ के बंबई दिल्ली चले गए, अब उनका 1 साल का वह किया गया कोर्स भी उनके जीवन में होगा उपयोगी, इस बात को आपको ध्यान देना है, क्लियर हुआ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो अब आगे की ओर ध्यान देंगे, चलिए ठीक है यहां तक हुआ, अब आगे ध्यान दें। उच्च शिक्षण संस्थानों में मानविकी कला संस्कृति, देखिए क्या कहा गया, एक सबसे विशेष बात यहां पर फोकस किया गया कि प्रत्येक स्तर के शिक्षा में जोर दिया जाएगा किस पर, संस्कृत पर जोर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि संस्कृत हमारा वह एक ऐसा विषय है जो अन्य प्रकार के विषयों को क्या किया, इसने आगे की ओर बढ़ाया, उसमें बहुत ज्यादा मदद किया। तो ये प्रारंभिक बेसिक समझ आपको संस्कृत की, इसके साथ मानविकी के विषय, मानविकी के विषय जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इनका भी एक प्रारंभिक समाचार, चाहे विज्ञान से आईआईटी कर रहे हो फिर भी मानविकी और कला के विषय से जोड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि यह जीवन जीने की प्रारंभिक दशा, प्रारंभिक कला से आपको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। भाई एक आईआईटी किया हुआ बंदा वो यहां पे आपके केंद्रीकृत बैंक का वो क्या कर रहा, हैक कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कमी है किसकी, मानवता की, और कहीं ना कहीं वो वंचित है किससे, इसी मानविकी और कला से। तो आप शिक्षा को, जीवन को व्यवहारिक बनाने का, मानवता उसमें शामिल करने का हर स्तर पर प्रयास किया गया। आगे क्या कर रहा है, स्कूल कॉलेज निर्धारित फीस से ज्यादा आप नहीं वसूल सकेंगे, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। और आज बढ़ते हुए यहां पे शैक्षिक समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहां पर क्या मनमाना फीस होना, मनमाना फीस वसूलीकरण करना, सामान्य तबके के लोग, निम्न तबके के लोग, जिसको आप मध्यम वर्गीय कहते हैं, निम्न वर्गीय कहते हैं, वो सबसे ज्यादा समस्याओं का क्या करते हैं, सामना करते हैं। तो साफ साफ कह रहा है कि अब जो सरकारी फीस निर्धारित किया जाएगा, प्राइवेट कॉलेज, एडेड कॉलेज, चाहे जिस प्रकार के कॉलेज हो, वह वही निर्धारित फीस वसूलेंगे जो सरकार द्वारा लगाया जाएगा। अब उनका कोई भी मनमानी कार्यक्रम इस प्रकार नहीं चल पाएगा, क्लियर हुआ। आगे क्या कर रहा है, ECCEZ
यहां पर प्रणाली लागू की वो बात कर रहा है, तो इस क्रम पर यहां पर ध्यान दीजिएगा, वो कर रहा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कर रहा है। ये देखिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात का क्या कर रहा है, वो कर रहा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कर रहा है, मतलब बच्चे की बच्चे के बचपनावस्था में उनका अच्छा देखभाल हो और उनके बचपनावस्था में उनकी एक अच्छी नींव पड़े, इसकी प्रणाली लागू करने का मतलब क्या है कि गुणवत्ता युक्त कौशल वाले शिक्षक चाहिए। तो अब यहीं से अब आप ध्यान दीजिए कि अब आपके लिए अब सारी चीजें अब धीरे धीरे आगे आना शुरू होगा कि वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों की देखभाल उचित प्रकार से तभी होगी जब उनको पढ़ाने वाला उनका देखरेख करने वाला शिक्षक होगा गुणवत्ता युक्त, मतलब अच्छे गुणवत्ता वाले कौशल को रखेगा। और उसके लिए क्या है, साफ साफ आपको समझना है, जो शिक्षण वाले प्रश्न सीटेट में आपको कठिन लगते हैं ना, जो शिक्षण वाले प्रश्न आपको थोड़े से चुनौतीपूर्ण लगते हैं, ऐसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न अब आगे के ऐसे समस्त प्रकार के शिक्षा में अब आपके लिए आएंगे, हथियार बनेंगे, और जो इसमें कमांड करेगा वो बेहतर शिक्षक होगा, और जो नहीं करेगा दोस्त वो जाएगा पीछे। इस बात को आपको समझना, थोड़ी सी चीजें अब ये नई शिक्षा यहां पर नीति डायमेंशन को चेंज करके अब आगे की ओर बढ़ रही। आगे क्या कर रहा है, करा सभी को सामान्य साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान से जोड़ा जाना 2025 तक लक्ष्य रखा गया। मतलब इसने क्या कहा, 2025 तक ऐसे बच्चे जो अभी तक शिक्षा से नहीं जुड़ पाए, ऐसे लोग जो शिक्षा से नहीं जुड़ पाए, उनकी उम्र आयु कुछ भी हो, सब तक क्या सामान्य रूप से उनको क्या कर दिया जाएगा, साक्षर कर दिया जाएगा, और उनमें एक संख्यात्मक ज्ञान हो जाएगा। और यह पूरी तरीके से करने का लक्ष्य कितना रखा गया, 2025 रखा गया। क्लियर हुआ, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसके लिए राज्य सरकार को यथासंभव, देखिए आपके काम भी सबसे बेहतरीन चीज है कि कहते हैं कि अब आगे कोरोना है, आएगी वैकेंसी नहीं आएगी, देखिए शिक्षा नीति में साफ साफ क्या लिखा गया है, कहा कि इसके लिए राज्य सरकार को यथासंभव, मतलब जितना जल्दी हो सके, क्या कर रहा, कम समय में शिक्षक की नियुक्ति करनी होगी, और नियुक्ति की प्रक्रिया निश्चित समय अंतराल में पूरा करना होगा। सबसे बड़ी बात आपके लिए, मतलब आप क्या किए, आप फॉर्म भर दिए, एग्जाम दे दिए, और 3 साल से कोर्ट में वैकेंसी आपकी क्या कर रही है, लटक रही है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, कहा है क्या कि नियुक्ति की प्रक्रिया निश्चित समय अंतराल में क्या कराना होगा, पूरा कराना होगा, 6 महीने 8 महीने आप डिसाइड करिए वैकेंसी निकालते समय, और उस निश्चित अंतराल पर हर हाल में सरकार को क्या करना पड़ेगा, शिक्षक की नियुक्ति कर देनी पड़ेगी। और ये आपके लिए सबसे बड़ी पॉइंट्स के रूप में ये आपके सामने ये है, ठीक है। चलिए, कह रहा सामान्य कक्षा में छात्र शिक्षक, तो देखिए ये आपके टेट सीटेट सुपर टेट हर स्तर का एक प्रश्न है कि 30:1, मतलब कक्षा में 30 बच्चे और एक शिक्षक का अनुपात, 30:1 का अनुपात रखा गया छात्र शिक्षक का, और सामाजिक आर्थिक पिछड़ा क्षेत्र अगर है तो यह अनुपात घट करके हो जाता है कितने का, 25:1 का हो जाता है, मतलब 25 छात्र होंगे और एक शिक्षक वहां शिक्षण का कार्य करेगा। क्लियर हुआ, चलिए देखिए और क्या है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि डिजिटल क्षेत्र में सरकार, मतलब वह कहां पर कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली की तरफ लगातार बच्चों को आगे बढ़ा रहा है, तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में कह रहा डिजिटल लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी पर जोर दिया जाएगा, बच्चों को समन्वित ज्ञान प्रदान किया जाए, वह व्यवसायिक ज्ञान के लिए उनको भटकना न पड़े, वे बहुत सारी चीजें जो उनके लिए आवश्यक है। और कह रहा शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों की समस्या का निदान और छात्रों का कक्षा से पलायन ये क्या करना होगा, दूर रहना, मतलब कक्षा में बच्चों की जो यहां पर समस्या उत्पन्न होती है, बच्चे कक्षा से भाग जाते हैं, बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, दूसरे विद्यार्थियों को तंग करते हैं, इस प्रकार के समस्त प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसके कारण को आप पता करें, और इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए एक गुणवत्ता युक्त शिक्षक का चयन आयोग के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसी के साथ देखिए यहां पे मूल रूप से 4 बातें कही गई कि हमारी जो शिक्षा नीति 2020 है ये केंद्रित है 4 बिंदुओं पे, समग्रता, मतलब बच्चे के आकलन में
किसी एक पक्ष को ना ध्यान देते हुए बल्कि उसके समग्र भाग का किया जाए क्या आकलन, बच्चे के व्यवहार के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाए तो उसके समग्र भाग का एकीकृत मतलब पास पड़ोस परिवेश उसके समग्र परिवेश का की जानकारी उसको अलग अलग तरीके से नहीं एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं जोड़ करके पढ़ाया जाएगा। रुचिपूर्ण मतलब उनके क्या उनकी मानसिक क्षमता उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाया जाएगा और यह पढ़ाने की जो क्रिया प्रणाली होगी वह क्रियाशील होगा या आप बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे आप बच्चे को पढ़ाएंगे गतिविधि आधारित पढ़ाएंगे। क्लियर हुआ मतलब हमें क्या बताया खेल खेल में सिखाना मॉन्टेसरी विधि क्या कह रहा है खेल खेल में सिखाना। अब इस चीजों को व्यवहारिक किया जाएगा इसका समय समय पे अधिकारी आकर के एनालिसिस भी करेंगे और इसको मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा कक्षाओं में। आगे क्या कह रहा है करा आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम के भार को कम करना। भाई आप क्या किए बच्चे को जैसे आपने पर्यावरण ही ले लीजिए अब पर्यावरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो पर्यावरण में 15 चैप्टर दे दिए हैं तो बच्चा 15 चैप्टर से प्रश्न आएगा इसके लिए वो दबाव के रूप में 15 चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करता है लेकिन चैप्टर 5 रख दीजिए और अगर आप अच्छे से पढ़ाइए तो बच्चा इस 5 के बारे में ज्यादा तर्क कर पाएगा ज्यादा सोच विचार कर पाएगा ज्यादा इनके गुणों दोषों के बारे में पता कर पाएगा। सेम बातें लिखी है कि आलोचनात्मक चिंतन गुणों दोषों इत्यादि के लिए क्या करना है पाठ्यक्रम के भार को कम करना है और सबसे महत्वपूर्ण लाइन कि त्रिभाषा ज्ञान पर जोर देने की बात करता है कौन जोर देने की बात करता है शिक्षा नीति 2020। क्लियर हुआ ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है और एक सबसे केंद्रीय स्तर पर चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं केबीएस पीआरटी कुछ भी तैयारी कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट बात न्यू शिक्षा नीति ने एनसीएफ 2020 के एनसीएफ 2020 की संतुति इसके रिसर्च शोध और नए कैरिकुलम की इसने क्या किया है कि अनुशंसा किया है इसको करने के लिए इसने क्या किया है इसका जिक्र किया गया है मतलब अब एनसीएफ मतलब एनसीईआरटी के द्वारा एनसीएफ 2020 पर एक नए फ्रेमवर्क पर काम किया जाएगा। यह आपके लिए एक बेहतरीन और बेहद महत्वपूर्ण लाइनें होंगी। चलिए और आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखिए क्या कह रहा है आकलन के लिए दो प्रकार का सर्वे होगा। आकलन मतलब बच्चों का आकलन दो प्रकार से होगा एक क्या होगा स्टेट अचीवमेंट सर्वे SAS मतलब राज्य के द्वारा बच्चे का समग्र अवलोकन किया जाएगा और उसी बच्चे का अवलोकन और कौन करेगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा मतलब राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा और दोनों के आधार पर समग्र बच्चे का आकलन किया जाएगा। ये तो बातें अभी तक हम कर रहे थे किसके शिक्षा नीति में जिनके लिए आया है अब वह शिक्षा नीति जिसको अपना करके आप शिक्षक बनेंगे कह क्या रहा है कि अध्यापक कौन बनेगा। एक लाइन एकदम बिल्कुल स्पष्ट हमने शिक्षा नीति की लाइन लिया है आपको गंभीरता से लेना होगा। कह रहा ओनली द बेस्ट ध्यान से सुनिए ओनली द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट विल बी टीचर्स मतलब जो एक अच्छा लर्नर होगा जो एक अच्छा चिंतक होगा जो एक अच्छा नवाचार का विश्लेषक होगा वही बीकॉम में क्या होगा सबसे अच्छा अध्ययनकर्ता ही क्या बनेगा एक अच्छा शिक्षक बनेगा और आगे ऐसी चुनौतीपूर्ण शिक्षक के लिए शिक्षक का कार्य उसी को दायित्व सौंपा जाएगा। क्लियर हुआ चलिए और आगे आएंगे तो देखिए आपके टेट में 4 बदलाव होंगे जैसा जिक्र साफ साफ शिक्षा नीति में किया गया है और आप में से बहुत सारे अब देखिए यहां टेट का मतलब कि देखिए टेट के आगे ना तो मैंने सी शब्द का प्रयोग किया है और ना तो यूपी का किया है इसका मतलब ये लागू होता है कहां पूरे भारत में चाहे राज्य स्तर पर हो चाहे वो सेंट्रल स्तर पर हो। टीटी के प्रश्न पत्र का स्तर बढ़ जाएगा मतलब वह पहले से ज्यादा गुणवत्ता का को परखा जाएगा ज्यादा शिक्षक के अंदर की चुनौतियों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा इसके लिए टेट के प्रश्न पत्र के स्तर को क्या किया जाएगा बढ़ा दिया जाएगा। अब उसमें क्या होगा प्रश्न थोड़े विश्लेषक होंगे चिंतन स्तर के होंगे इन चीजों को शामिल किया जाएगा ये आपको गंभीरता से लेने की का विषय। आगे क्या करें दायरा बढ़ाकर 12वीं तक के लिए शिक्षक को जोड़ा जाएगा ये क्या कह रहा है
अभी तक पीटी प्राइमरी और मिडिल का देते हैं, अब आपको अगर 12 तक के लिए शिक्षक बनना है तो ये शिक्षा नीति के आधार पर अब 12 तक के लिए आगे टेट होने जा रहा है। कान खोल के सुनिए, अभी तक 1 से 5 और 6 से 8 के लिए आप टेट देते थे, अब वो करा 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा क्या? टीटी, आपको इस बात को ध्यान देना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए, मैंने कहा था महत्वपूर्ण बातें, तो देखिए क्या कर रहा है। कह रहा पढ़ाने के लिए प्रेरणा और रुचि के परीक्षण हेतु वास्तविक कक्षा में डेमो शिक्षण साक्षात्कार लिया जाएगा और क्या प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के लिए टेट अनिवार्य होगा। तो पहले 4 ले लीजिए, मतलब अब मत ये समझे कि हम प्राइवेट बन रहे हैं कि सरकारी बन रहे हैं। टीचर ही बनने के लिए क्या चाहिए? टीटी चाहिए आपको। अब ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सरकारी टीचर बनने जा रहे हैं या प्राइवेट बनने जा रहे हैं। अब सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बातें, जो आपके कंफ्यूजन का सबसे मूल बिंदु है कि साक्षात्कार। तो 2016 में केंद्र सरकार का एक संस्तुति आई थी, जो एक गाइडलाइन आया था कि गैर राजपत्रित पदों में साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। और अभी तक अगर हम इंटरमीडिएट के प्रधानाचार्य को छोड़ दें तो बाकी सब तो हमारे गैर राजपत्रित मतलब सी में आते हैं। अगर हम सरकारी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को छोड़ दें तो बाकी सब हमारे गैर राजपत्रित में आते हैं। तो अगर यहां पर इंटरव्यू साक्षात्कार को लागू करना है तो ऐसी दशा में सरकार को 2016 में लाई गई वह हमारी जो अनुशंसा थी वह उस पर क्या करना पड़ेगा? फिर बदल करना पड़ेगा। और एक लास्ट प्रश्न के साथ या एक लास्ट बात के साथ हम आरपी सर को बुलाना चाहेंगे। लास्ट बात आपके दिमाग में यह होगा कि यह शिक्षा नीति लागू कब किया जाएगा? बहुत सारे चैनल पर, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी बातें हैं, आप सुनिए ध्यान से। यह संस्तुति के आधार पर कैबिनेट से पास किया गया एक प्रकार का हमारा क्या है, यह नीति है। अब इसको पेश किया जाएगा कहां? लोकसभा में। लोकसभा से पेश करके यह जाएगा राज्यसभा में और राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने के बाद यह 34 वर्षों बाद यह एक अपना नया इतिहास रचेगा। और इतिहास क्या रचेगा इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे आरपी सर के लिए। और दोस्तों ये बेहद जो हमारे अपने स्तर पर जो जानकारी थी इसको हमने देने का प्रयास किया, आगे की जानकारी के लिए आरपी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, यह तो सिर्फ डेमो है। दोस्तों सर ने जो पढ़ाया वह बहुत ही बारीक फैक्चुअल जानकारी थी, पर आपको अब असली मजा आने वाला है क्योंकि अब आप इसके डिटेल में जानने वाले हैं। तो मैं चलूंगा दोस्तों, शुरुआत करेंगे। तो चलिए पीछे के सर के कुछ पॉइंट्स को देखते हैं फटाफट जल्दी से। चलिए हम पीछे एक बार आएंगे दोस्तों व्याख्या के लिए, आइए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों जस्ट मुझे 20 सेकंड का ब्रेक देंगे, मैं बैटरी चेंज करूंगा, 20 सेकंड जस्ट ब्रेक दे। सूरज वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे अधिकांश परीक्षार्थी परीक्षा देने के बाद ये पश्चाताप करते हैं, काश मैंने इस तरह से पढ़ा होता, काश मैंने फला इंस्टीट्यूट से गाइडेंस ली होती। ये पश्चाताप हमें परीक्षा देने के बाद होता है। दोस्तों ये जिंदगी है, अभी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी जीवन का सारा सार बाकी है। चंद्रा इंस्टीट्यूट से जुड़ना तो आपका पहला कदम होगा, आगे पूरा किताब बाकी है। किसी कोचिंग संस्थान का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू फैकल्टी होती है, उनके कंटेंट तथा समझाने के तरीकों को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। मैं विश्वास ही नहीं, पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं कि आप चंद्रा इंस्टीट्यूट की स्वयं फैकल्टी को देखिए, ये 15 से अधिक कोर्सेज की लाइव क्लासेस चल रही हैं। चंद्रा इंस्टीट्यूट अन्य इंस्टीट्यूटों से बेहतर क्यों? बाद में पश्चाताप करने से अच्छा है कि आप चंद्रा जैसी मेहनती टीम का सही समय पर पहचान करें, क्योंकि आप जितना देर गलत रास्ते पे जाते हैं उतना ही समय लगेगा आपको उस रास्ते पर वापस आने। गुड की जगह बेस्ट को चुनिए, इसलिए करियर को अब दीजिए नई पहचान चंद्रा इंस्टीट्यूट के साथ। दोस्तों सबसे अच्छा है कि आप डेमो देखें और स्वतः आकलन करें। डेमो के लिए टेलीग्राम या चंद्रा इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल कर लें या हमें कॉन्टेक्ट करें इन नंबरों पर 8400333261। I was ever a fighter, so one fight more for the best and the last guys. And thank you, thanks a lot. Join us for your sure selection. Chandra Institute, Allahabad.
तो अब आपको जो व्याख्या देने जा रहा हूं वो बहुत ही चौंकाने वाली होगी, तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले कि मैं अपनी व्याख्या शुरू करूं, कुछ फैक्ट्स को आपको और बता देता हूं, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं, सर की बातों को हम आगे रखेंगे दोस्तों। आइए, ये रहा, तो सर ने यहां तक लिया हुआ था, बिल्कुल यस बिल्कुल। आइए दोस्तों, ये था बिल्कुल यस। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आर्थिक क्षेत्र, आपने सुना होगा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो SEZ होते हैं, वैसे ही वो क्षेत्र जहां पर शिक्षा व्यवस्था बहुत लचीली है, जहां पे साक्षरता कम है, जहां पे लोग सही से पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए दोस्तों स्पेशल एजुकेशन जोन, विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे दोस्तों। यह रहा इसकी जानकारी। मतलब जैसे ट्राइबल एरियाज हो गए, या वो एरिया जैसे आपको पहाड़ी क्षेत्र हो गए, या जनजातीय एरियाज हो गई, या जहां पे अनुसूचित जनजातियां बहुत ज्यादा हैं, जहां पर स्कूल नहीं है, जहां पे कॉलेज नहीं है, ऐसी जगहों पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। आइए दोस्तों, लिंग समावेशन, यहां एक पॉइंट छूट गया है तो मैं आपको थोड़ा सा लिख देना चाहूंगा। लिंग समावेशन, देखिए यहां पे है, समावेशन होना चाहिए, लिंग समावेशन। यह शिक्षा नीति क्या कहती है, कितना प्रयास करने के बावजूद भी अभी भी शिक्षा में लिंगात्मक अंतर बहुत डेंजरस है। लड़की लड़के के इस अंतराल को पाटने के लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष फंड बनाए जाएंगे, जिसे हम कहेंगे जेंडर इंक्लूसन फंड। और इसमें दोस्तों क्या होगा कि आपका जो जैसे जवाहर विद्यालय योजना दोस्तों होती है, नवोदय विद्यालय योजना होती है, उसी आधार पर जैसे आपने सुना होगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो योजना होती है, उसको 12वीं कक्षा तक लागू किया जाएगा। जैसे आपने देखा हो दोस्तों 6-8 तक होती है, इसे उठाकर कहां लागू करेंगे, इसे 12वीं तक लागू करेंगे। और आगे देखेंगे दोस्तों शिक्षा, देखिए दोस्तों 1986-1992 में जो चीजें कही गई थी वह जारी रखा गया है। शिक्षा पर GDP का 6% जो व्यय है, इसको यथावत रखा गया है कि इतना व्यय किया ही जाएगा। दोस्तों अभी जस्ट फैक्ट ले रहा हूं, आगे चलेंगे दोस्तों। ये देखिए, जैसे दोस्तों हमारे यहां आपने देखा होगा UGC है, बहुत अभी आपको बहुत दमदार पॉइंट्स आएंगे। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा हमारे यहां नेट है, JRF है, इस तरह की बकवास प्रणाली को फुल्ली रिमूव कर दिया जाएगा। एक ही फाउंडेशन बनेगा PhD करने का, रिसर्च का, जिसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। दोस्तों जैसे अमेरिका में है, एक ही रिसर्च फाउंडेशन होगा जो फंड अलॉट करेगा उन लोगों पर जो विभिन्न विषयों पर क्या करते हैं दोस्तों, शोध करते हैं। तो आपका जो स्लेट हो गया, नेट हो गया, JRF हो गया, इस बकवास को पूरी तरह क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। चलेंगे दोस्तों आगे, आइए देखिए, ये देखिए शिक्षा में जैसे आप देख रहे हो UGC हमारे यहां, देखिए दोस्तों हितों का इतना टकराव है यार, कहीं तो UGC की मान्यता चलती है, कहीं NCTE की मान्यता चलती है, कहीं SICTE की मान्यता चलती है, इस तरह से तमाम यूनिवर्सिटी तमाम प्रकार की मान्यता देते हैं। यह बकवास भी पूरी तरह से खत्म की जाएगी, UGC AICTE जैसे संस्थानों को हटाकर एक ही इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, नेशनल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी और सभी लोग इसी के अंडर में क्या करेंगे दोस्तों, काम करेंगे। आगे चलेंगे, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को समान बनाते हुए बहुविषयक पाठ्यचर्या को लागू किया जाएगा। आप समझिए इसका क्या मतलब है, मैंने बोला व्याख्या शुरू होगी। दोस्तों हमारे यहां जैसे आपने सुना होगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों, उसके बाद क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। कई बार तो उन्होंने सीधा अपनी डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है कि कई बार तो ऐसी घटिया यूनिवर्सिटीज बना दी जाती हैं जिसमें कुल 500 से 600 बच्चे होते हैं और बड़ी सी यूनिवर्सिटी खोल ली। दोस्तों उन्होंने कहा यह सारी चीजें खत्म की जाएंगी, कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई खास कोर्स नहीं चलेगा। जैसे आपने IIT देखा, IIMS देखा, वो साइंस की डिग्री देते हैं, वो मैनेजमेंट की डिग्री देते हैं, या डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले एग्रीकल्चर की डिग्री दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा यह सब खत्म कर दिया जाएगा, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक जैसी पाठ्यचर्या लागू की जाएगी और सभी विश्वविद्यालय क्या होंगे, बहुविषयक। मतलब IIT में भी आप आर्ट पढ़ पाओगे, IIT में भी आप कॉमर्स पढ़ पाओगे,
IIM से भी आप साइंस पढ़ सकते हो दोस्तों। कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी जो विश्वविद्यालय होगा वह सिर्फ एक क्षेत्र में गवर्नमेंट के संसाधन को नहीं खाएगा। भैया जब गवर्नमेंट पैसा दे ही रही है इसे बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे दोस्तों। चलेंगे शुरू करते रहेंगे। ये देखिए अब आपको दोस्तों एक बहुत मजेदार आपको अब जितने भी पॉइंट मिलेंगे दोस्तों कुछ पॉइंट मैं लिख नहीं पाया हूं तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। अभी सारी व्याख्या बाकी है कहीं मत जाइएगा। अगले आधे घंटे तक मेरे साथ लगे रहिएगा दोस्तों। अगला मिड डे मील को माफ करेंगे यहां मील को मिल हो गया है तो मिड डे मील या जो मध्यान्ह भोजन योजना होती है मिड डे मील को पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो ECCE चलाई गई है जिसे हम प्रारंभिक बाल देख रेख या शिक्षा बोलते हैं तो मिड डे मील को पूर्व प्राथमिक शिक्षा बोले तो 3 से 6 पर भी लागू किया जाएगा। और ऐसा करने के लिए दोस्तों RTE में बदलाव लाया जाएगा और बदलाव ला कैसे जो आपका अभी 6 to 8 तक है दोस्तों उसको उठा करके हम कहां तक ले जाएंगे इसे हम 3 से 6 की पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर भी ले जाएगा। ये देखिए आगे RTE अब 6 से 18 वर्ष लागू होगा जो अभी आपने देखा शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आपने सुना था अब पहले वह जो 6 से 14 था अब इसमें 12वीं तक के विद्यार्थी आएंगे और यह 6 से 18 वर्ष तक लागू होगा। आइए दोस्तों देखते हैं। और हां ध्यान से ये बात मैं भूल गया अब दोस्तों मिड डे मील में दोपहर के भोजन के अलावा सुबह दमदार भारी भरकम नाश्ता भी दिया जाएगा। यह एक और बदलाव किया गया है किसमें मिड डे मील में दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं फिर सुनेंगे। मिड डे मील को पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर भी लागू करने के लिए RTE में बदलाव किया जाएगा तथा इसके साथ नाश्ता भी मॉर्निंग में हल्का सा ब्रेकफास्ट भी देंगे दोस्तों। आइए आगे सतत विकास। देखिए दोस्तों अब आ रहे हैं हम कुछ बहुत बारीक पॉइंट्स पर यहां से व्याख्या शुरू होगी। सतत विकास का जो लक्ष्य लिया गया है UNO द्वारा यह लक्ष्य लिया गया है दोस्तों इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ गोल 4 कहते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG 4 को देखते हुए 2030 तक जीवन से जोड़कर सीखना सुनिश्चित करने के लिए समानता पर आधारित गुणवत्तापूर्ण आधारित शिक्षा की जरूरत होगी। यह पहली लाइन है आपके एजुकेशन पॉलिसी की। अब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में ले रहा हूं हम आशीष सर के पॉइंट पे एक बार फिर जाएंगे पर अब मैं उल्टे क्रम में ले रहा हूं। हम आ गए एकदम पहले पेज पर किसके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए आने वाले समय में कितनी बढ़िया पॉइंट है। देखिए आने वाले समय में अकुशल श्रम को मशीनें हटा देंगी ऐसे में कुशल श्रम जिसे गणित कंप्यूटर देखिए बहुत दमदार पॉइंट है जिसे गणित कंप्यूटर डेटा विज्ञान एवं बहुविषयक क्षमता वाले लोगों की क्या होगी मांग होगी। मतलब कहने का दोस्तों वो जाते थे नहीं साहब हमें कोई भी काम दे दो सब हम तो नहीं रखते ना साहब हम तो वो सब नहीं चलेगा। दोस्तों आपको स्किल्ड लेबर चाहिए इसके लिए आपको मशीन का यूज करना डेटा देखिए दोस्तों आंकड़ों के विज्ञान को सीधा सा क्या बोल दिया है डेटा साइंस बोल दिया है उठा के देखिए। आइए दोस्तों देखते हैं केवल सीखना जरूरी नहीं है एकदम शुरुआती लाइन दे रहा हूं यह जानना भी जरूरी है कि कैसे सीखें। शिक्षा में सामग्री का बोझ कम किया जाएगा रचनात्मक सोच समस्या समाधान नवाचार अनुकूलन एवं प्रयोगवाद पर जोर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों एवं प्रयोगवाद पर जोर दिया जाएगा। आइए शिक्षा में खेल गतिविधियां स्वास्थ्य भाषा साहित्य संस्कृति एवं मूल्य तथा गणित एवं विज्ञान पर भी क्या किया जाएगा जोर दिया जाएगा। दोस्तों आगे चलेंगे शिक्षक एवं शिक्षक देखिए दोस्तों अब यहां पे मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जहां पे आशीष सर थे ध्यान सुनेंगे। शिक्षक एवं शिक्षक की दशा में सुधार करने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षकों को रीस्टेब्लिश किया जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं मैं इस पर बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या दूंगा एक बार सुन लेंगे। पुनः स्थापित किया जाएगा तथा उन्हें समाज का सम्मानित सदस्य बनाया जाएगा। नई एवं बेहतर शिक्षा नीति वह है जिसमें सभी बच्चों की परवाह की जाती है तथा उचित शैक्षिक वातावरण दिया जाता है। देखिए दोस्तों आगे चलेंगे फिर मैं एक बार लूंगा डिटेल में। बच्चों की अद्वितीय क्षमता शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा पहचानी जाए। क्या ये कह रहा है कि जैसे हम क्या करते हैं प्रत्येक बच्चे को एक ही मानक पर चेक करते हैं उन्होंने कहा प्रत्येक कोई तो ऐसा बच्चा होगा जिस सॉरी प्रत्येक बच्चे में कोई तो ऐसी क्षमता होगी जिसमें वो माहिर होगा
तो उसके उस स्किल को जिसमें वह अद्वितीय है और उसे बेहतर कर सकता है वो यह शिक्षा में पहचाना जाए ताकि उसे हम क्या कर सके, उसे हम विकसित कर सके, उसे इनहेंस कर सके। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। विषयों के, देखिए बहुत दमदार पॉइंट है, विषयों के चुनाव में लचीलापन हो ताकि विद्यार्थी रुचि व क्षमता के अनुसार। की दोस्तों क्या होता है कि हमारे यहां विषयों के सिलेक्शन में बहुत लफड़ा है। आप क्या करते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो आर्ट और आप आर्ट में फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो यह सुविधा उन्होंने ला दिया है दोस्तों कि आप आर्ट में होकर भी साइंस के कुछ विषय पढ़ सकते हैं, उसका एक पूल बनाया जाएगा। ध्यान से, एक पूल, जैसे मैं आर्ट में संस्कृत हिंदी पढ़ रहा हूं, मेरी इच्छा है केमिस्ट्री पढ़ने की, तो दोस्तों एक पूल बनेगा जिसमें से कुछ विषय हम अपने इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं। हम समझ गए हैं, जैसे हम आर्ट पढ़ रहे हैं, हमको साइंस में केमिस्ट्री पढ़नी है, तो हमें उस पूल का चयन करना पड़ेगा जिसमें केमिस्ट्री तो है पर वह हमारे अभी वाले कॉम्बिनेशन से क्या करती है, मैच करती है। देखेंगे विषयों के चुनाव में लचीलापन हो ताकि विद्यार्थी रुचि और क्षमता के अनुसार सीख सके। कला विज्ञान सहगामी क्रियाओं के बीच कोई अलगाव नहीं होगा। दोस्तों मैंने अभी साफ साफ बोला, जैसे हमारे यहां क्या होता है, मैंने आर्ट लिया है, मैंने कॉमर्स लिया है, मैंने साइंस लिया है, उन्होंने कहा इस तरह का कोई भी हार्ड फास्ट डिविजन नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, पाठ सहगामी क्रियाएं, जैसे हमारे यहां क्या है भैया, अरे खेलोगे कूदोगे खराब बन जाओगे, उन्होंने कहा खेलना कूदना भी शिक्षा का अभिन्न अंग है। तो आप आर्ट साइंस के साथ साथ आप स्पोर्ट संगीत मनोरंजन म्यूजिक आदि को भी क्या कर सकते हैं, विषयों के रूप में क्या कर सकते हैं, चयनित कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। यस, ये देखिए दोस्तों बहुभाषिकता, अब आपको सीधा सीधा यहां पे मैं बहुत बढ़िया से समझने वाला हूं, बहुभाषिकता एवं भाषा की शक्ति का उपयोग किया जाएगा, प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। बहुभाषिकता जो समाज में है उसे प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और प्रत्येक बच्चे को सुविधा दी जाए कि वह अपने लोकल लैंग्वेज में क्या कर सके, सीख सके। दूसरा, प्रयोग किया जाए तथा रचनात्मक आकलन को, उन्होंने कहा जो हमारे यहां सत्र के अंत में बहुत विरोध किया गया है, जैसे एनसीएफ 2005 में किया गया है, उन्होंने कहा जो हमारे यहां सत्र के अंत में असेसमेंट होता है यह बहुत ही घटिया है, इसके बजाय सतत आकलन और रचनात्मक आकलन जहां बच्चे को सुधार के लिए फीडबैक दिया जाए ऐसे आकलन को बढ़ावा दिया जाए। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा बात उसने कही है जो आपको यहां दिख रही होगी, क्या, शिक्षा एक जन सेवा है न कि लाभ का पद है। क्या उन्होंने सीधा सीधा बोला है, एजुकेशन इज अ पब्लिक सर्विस, इट्स नॉट अ पोस्ट फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाने का नहीं है। उन्होंने कहा जो लोग शिक्षा में टीचर बने वे निश्चित ही इस उम्मीद से बने कि वे पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं। चलें आगे दोस्तों, मैं वो भी बात करूंगा। आइए, 3 से 6 वर्ष के लिए, देखिए कैसे आपको जो सर ने 5 वर्ष का व्याख्या सुनते जाएंगे दोस्तों, मैं बोला ना आशीष सर के हर पॉइंट की व्याख्या आएगी। दोस्तों आपको आशीष सर ने ऊपर क्या बताया था कि 5 वर्ष का फाउंडेशन कोर्स चलेगा, तो 5 वर्ष का फाउंडेशन कोर्स कैसे चलेगा, देखिए 3 से 6 वर्ष कभी क्या चलेगा, 3 से 8 चलेगा, तो 3 से 8 कैसे चलेगा, देखिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ECC या इसे बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कार्यक्रम तथा 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा तैयारी कार्यक्रम, बोले तो 3 से 6 की 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा होगी और जो 6 से 8 होगा उसमें हमारी कक्षा का कक्षा 1 आएगा और कक्षा 2 आएगा। दोस्तों अब इसको थोड़ा सा और सुनते जाइए, बहुत बढ़िया लिखा है मैंने, अब देखिए बहुत डीप आता जा रहा है। ECCE, ध्यान सुनेंगे, ECCE की शिक्षा अलग आंगनबाड़ियों, पहले अब इसकी टर्मिनोलॉजी समझिएगा, अलग आंगनबाड़ियों या प्राथमिक विद्यालय से जुड़ी आंगनबाड़ियों या प्री स्कूलों या प्राथमिक स्कूलों से जुड़े प्री स्कूलों, मतलब आंगनबाड़ियां 2 प्रकार की होती है, एकदम अलग आंगनबाड़ी होती है, एक आंगनबाड़ी प्राथमिक विद्यालय से जुड़ी होती है, ठीक उसी तरह से प्री स्कूल भी अलग हो सकते हैं या प्राथमिक विद्यालय से जुड़े हो सकते हैं, तो इन सब से जोड़ कर दी जाएगी क्या, प्रारंभिक बाल देख रेख और शिक्षा, यह दी जाएगी। आइए देखेंगे ECCE की समाप्ति, जब आप ECCE खत्म कर लोगे तो आप जाओगे कक्षा 1 में, समझते जाइए ECCE की समाप्ति पर 3 महीने की कक्षा 1 में जाने से पहले
तैयारी शिक्षा बाल वाटिका में दी जाएगी। ध्यान सुनेंगे दोस्तों, जब आपने ECC, मैं आपको समझाता हूं, सकता है आपको इसके टर्म ना समझ पाए तो मैं आपको अपने हिसाब से समझाता हूं। जैसे आपने 3 साल का ECC पूरा कर लिया, अब आप घुसोगे कक्षा 1 में तो आपको डायरेक्ट कक्षा 1 में नहीं जाने देंगे, वो आपको 3 महीने का एक प्रिपरेटरी कोर्स कराएंगे कि क्या आप कक्षा 1 के लिए तैयार हो। और यह 3 महीने का जो कोर्स होगा वह जहां पे होगा उस जगह को नाम दिया गया है क्या, बाल वाटिका, जहां बच्चे को बेसिक चीजें बोलना, कलर बताना या स्पर्श करना, थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन, ये सब सिखाया जाएगा 3 महीने में, किसमें, बाल वाटिका में। अब देखिए दोस्तों, अब कह रहा है क्या कि ECCE की जिम्मेदारी, ध्यान सुनेंगे दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल में यहां खड़ा होकर व्याख्या दूंगा, आपको देखना नहीं पड़ेगा। ECCE की जिम्मेदारी आपका HRD मिनिस्ट्री, जो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, दूसरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आपने सुना होगा वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, या जो आपका है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसे आप कहते हो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, ये तीनों मिल करके NCERT की सहायता से इस तरह से इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे, किसकी, प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा की। मतलब दोस्तों, यद्यपि इसका पाठ्यक्रम, अब ध्यान सुनेंगे दोस्तों कैसे होगा, अब मेरी कुछ बातों को आप सुनेंगे, मैं कुछ बातें आपको सीधा सीधा बताऊंगा, अब सुनेंगे सिर्फ। अब अगले 10 मिनट में आपको शॉर्ट में एक हल्का सा एनालिसिस दूंगा। पहला, ध्यान सुनेंगे अब जो होगा, क्या हम रेडी हैं, शुरू करते हैं। पहला दोस्तों, आने वाले कुछ वर्षों में टीचर बनने के लिए सिर्फ BEd ही एक डिग्री होगी, सब लोग समझते जाए दोस्तों, अब आपको वहां नहीं देखना, सीधा मुझे देखेंगे। आने वाले कुछ वर्षों में टीचर बनने के लिए सिर्फ BEd ही एकमात्र वांछनीय डिग्री होगी। आप इस BEd को 4 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, पहला, आप इसे डायरेक्ट 12वीं के बाद 4 वर्ष का डायरेक्ट BEd प्रोग्राम कर सकते हैं, या दोस्तों आप ग्रेजुएशन अगर आपने कर ली किसी दूसरे सब्जेक्ट से, BEd नहीं किया, तो आप उसके बाद 2 वर्ष का BEd करना पड़ेगा। और अगर आपने PG कर लिया है, जैसे आपने MA या MSc या MCOM कर रखा है, तो उस हालत में आपको 1 वर्ष का BEd करना पड़ेगा। और हर हालत में 2030 तक दोस्तों यह कंपलसरी होगा कि केवल BEd ही काउंट किया जाएगा, किसमें, शिक्षक भर्ती के लिए, पहली बात। दूसरी बात, आने वाले कुछ वर्षों में पैरा टीचर आप समझते हैं, जैसे आज के शिक्षा मित्र आते हैं दोस्तों, पैरा टीचर, सहायक टीचर, इस प्रकार का कोई भी पद नहीं होगा। मैं आपको कुछ बातें साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, मुझे यकीन है मैं आपको इसीलिए सीधा सीधा बता रहा हूं। अगली बात दोस्तों, कि अब आंगनवाड़ी, अभी आपने क्या सुना रहा कि ECCE की शिक्षा कहां दी जाएगी, आंगनवाड़ी में, अब सुनिए आंगनवाड़ी में क्या होगा। आंगनवाड़ी में जो टीचर काम कर रहे हैं उनकी दशा को सुधारा जाएगा, कैसे, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, जो वहां पे कार्यकर्ता या टीचर पहले से काम कर रहे हैं उनको और बेहतर बनाया जाएगा। बेहतर बनाने के कैसे, कि जो 10+2 मतलब कम से कम 12वीं पास हैं, उन्हें 6 महीने का ECCE का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा। पर वे कार्यकर्ता जो आंगनबाड़ी में पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं दोस्तों, कार्यकर्ता हैं, अगर वो 12वीं से कम शिक्षा वाले हैं तो उनको 1 वर्ष का ECCE का क्या दिया जाएगा, डिप्लोमा कराया जाएगा। और दोस्तों टीचर्स में साफ साफ सुनेंगे दोस्तों, जो आशीष सर ने जो बात कही मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, अब टीचर का लेवल क्या हो गया, BEd, समझते जाइए पूरा, मैं आपको समझा सकता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कैसे, समझिए, चलिए आपको बताता हूं। देखिए, अब आपको टीचर बनने के लिए करना है क्या, पूरी लेड देखिए क्या है, BEd आपको करना है क्या, TET बोलता हूं, फिर आपको निकालना है STG, फिर आपको डेमो क्लास, मतलब आपको खुद पढ़ाकर दिखवाया जाएगा, या आपको क्या किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। ये 4 स्टेप आपको कस करने होंगे, देखते जाइए, आपको BEd करना है, TET दोस्तों करना है, STET निकालना है, और दोस्तों डेमो क्लास फाइनली या इंटरव्यू करा के आपकी नियुक्ति होगी। यह रहा अब टीचर सिलेक्शन का फॉर्मेट, आप देख सकते हैं, मैंने बोला था आपको मैं व्याख्या दूंगा,
और देखिए दोस्तों, कई चीजें उन्होंने बहुत पारदर्शी बना दी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि टीचर, देखिए आपको एक बात मैं बता दूं दोस्तों, आप बिल्कुल डरे ना, इस डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण किया जाएगा। आप में से काफी लोगों ने कल दोस्तों, मैंने देखा अभी मेरा इंग्लिश टीजीटी का ग्रुप था, वहां बच्चे बड़े परेशान थे, बड़े अजीब तरह के कमेंट कर रहे थे। इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा गया है कि शिक्षा का निजीकरण किया जाएगा। उन्होंने सीधा सीधा, और देखिए दोस्तों आपको कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि आप टीचर वाले सेक्शन का वेट कर रहे हो, तो मैं आपको टीचर सेक्शन की कुछ जरूरी बातें बता सकता हूं। देखिए दोस्तों, ट्रांसफर सिस्टम पूरी तरह से बंद होने वाला है। ट्रांसफर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे आप देखिए ना, आप एक जिले से दूसरे जिले में, आपकी जॉब को इतना बेहतर बनाया जाएगा कि आपकी ट्रांसफर को जरूरत नहीं है। कैसे, जैसे आपने केंद्रीय विद्यालय बनाए हैं, नवोदय विद्यालय देखे हैं, ग्रामीण एरियाज में टीचर के लिए घर बनाए जाएंगे, क्वार्टर बनाए जाएंगे, और सुन जाएंगे दोस्तों, जो सैलरी होगी, एक देखिए कहीं नहीं, एक तो आपकी होगी क्या, गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित कैसी सैलरी, फिक्स सैलरी। पर दोस्तों वो नहीं चाहते कि आप चाहे अच्छा पढ़ाओ चाहे बुरा पढ़ाओ, आपको सैलरी फिक्स मिलती रहे। अगर आपको इससे बेहतर पाना है तो जो लोग अच्छे प्रदर्शन करेंगे उन्हें दिया जाएगा क्या, प्रमोशन, उन्हें दिया जाएगा क्या, इंसेंटिव, और जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा उनका कौन सा पीरियड, प्रोबेशन, जो आपकी अस्थाई नियुक्ति होगी, आप शायद 3 सालों तक प्रोबेशन पीरियड पे होंगे। जो अच्छा पढ़ाएगा, टीचर का असेसमेंट कई बार डिस करेंगी, उसको पहली बात उसकी जॉब को परमानेंट कर देंगे दोस्तों, और साथ ही साथ उसे प्रमोशन पर एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रमोशन में कोई ऊपर से नीचे नहीं जा पाएगा, न नीचे से ऊपर जा पाएगा। अब आप कहेंगे सर आप क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, अब मैं आपको इस पॉलिसी की सबसे बारीक बातें समझा रहा हूं। आइए, लंबवत पदोन्नति नहीं होगी, लंबवत पदोन्नति नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, लंबवत पदोन्नति का क्या अर्थ है? आपने देखा होगा कि प्राइमरी का कोई टीचर अगर बहुत बढ़िया पढ़ाता था, उसको जूनियर लेवल पर प्रमोट कर दिया गया, अब ये सिस्टम बंद कर दिया गया है। आपको अगर प्राइमरी के टीचर के रूप में आप भर्ती हुए हो, तो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं भेजा जाएगा, ना तो 6 to 8 पे भेजा जाएगा, ना तो 9 to 12 में भेजा जाएगा, आपको उसी लेवल पर प्रमोट किया जाएगा जिसके लिए आप भर्ती हो। जैसे कह सकता हूं, देखिए समझाता हूं कैसे। आपने BRC सुना होगा, ब्लॉक संसाधन केंद्र, या तमाम जो प्राथमिक शिक्षा से जुड़े डायट इत्यादि हो गए, आपको वहां प्रमोट किया जा सकता है, पर आपको प्राइमरी से यूनिवर्सिटी या सेकेंडरी लेवल पर नहीं भेजा जाएगा। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड, सारे लोग समझ रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बहुत डीप व्याख्या दूंगा। तो रहा दोस्तों, ये रही कुछ मोटी मोटी बातें, अब ध्यान से सुनेंगे। अब जैसा कि सर ने आपको बताया, अब कुछ और जरूरी बातें सुन लेंगे, ठीक है। ये तो रही क्या आपकी मोटी मोटी बातें। देखिए दोस्तों, टीचर्स के परफॉर्मेंस को चलेंगे एक बार ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो आपको तमाम प्रकार की परीक्षाएं, तमाम विश्वविद्यालय दुनिया भर के एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, पैसा भी जाता है, 500 प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में, सुनते जाइए मैं आपको बताता जाऊंगा, उन्होंने कहा उच्च शिक्षा में कॉमन प्रवेश परीक्षा बनाई जाए, जैसे आपका कैट होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। इस स्कोर को बाकी यूनिवर्सिटीज भी इसे मानक मानकर अपने यहां एडमिशन लेंगी। यह बार बार एंट्रेंस लेने वाली सिस्टम को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा है दोस्तों कि परीक्षाओं में बहुविकल्पी और डिस्क्रिप्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जाएं। साथ ही साथ एक बात उन्होंने और कहा है कि जो ये मोटी मोटी किताबें पढ़वाई जा रही हैं, उन्होंने कहा प्रयोगात्मक प्रश्न पूछे जाएं, रट्टा मरने वाले प्रश्न न पूछे जाएं, इससे रटन कल्चर को बढ़ावा नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा जो मतलब निचले स्तर पर शिक्षा में कोचिंग्स का वर्चस्व बढ़ रहा है, जैसे 10वीं 12वीं के लिए जो कोचिंग्स होती हैं, उन्होंने कहा हमें धीरे धीरे
कोचिंग फ्री कल्चर की तरफ जाना है, क्योंकि कोचिंग्स क्या करती हैं, अपने स्टूडेंट को रटवाने लगती हैं। तो उन्होंने कहा रटने को बढ़ावा ना मिले, इसलिए हर साल प्रयोग पर अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि अगला व्यवहारिक प्रश्न कौन सा आएगा। यह दोस्तों कहती है हमारी नई शिक्षा नीति। फटाक से देखेंगे, कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा आपको। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए सुन सकते हैं, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों। और हां ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो बीटीसी या डीएलए द्वारा थोड़ा परेशान हो रहे हैं, उनको लगा होगा कि सर बीटीसी डीएलए कहां जाएगा, 2030 तक आप लोग माने हैं दोस्तों, ध्यान सुनेंगे, 2030 तक आपकी डिग्री माने है बीटीसी डीएलए वाले, मेरी बात सुन लेंगे, 2030 तक आपकी डिग्री मान है, प्लीज डोंट माइंड ना, आपको 10 साल बहुत होते यार, 2020 से 2030 बहुत लंबा टाइम होता है यार, 10 साल तैयारी करना कोई आसान काम थोड़ी है। चलें आगे दोस्तों, ये ध्यान सुनेंगे, बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को उच्च वेतन प्रोत्साहन एवं प्रमोशन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें पूर्णकालिक सेवा, मैंने आपको बोला ना कि आपको परमानेंट किया जाएगा, आप मेरी कुछ बात ध्यान सुनेंगे। अगला, प्रमोशन एक स्तर, मैंने आपको भी बोला ना, आप प्राइमरी में ही प्रमोशन पा जाएंगे, आप प्राइमरी से प्रमोट होकर जूनियर में नहीं जा पाएंगे, प्रमोशन एक स्तर से दूसरे स्तर पर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा सुनेंगे ध्यान से, शिक्षकों के लिए दोस्तों उन्होंने कहा शिक्षक की भर्ती का मानक क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा इसके लिए राष्ट्रीय मानक बनाया जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, ध्यान से सुनेंगे, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, व्यावसायिक मानक, तो दोस्तों इसे क्या बोलेंगे, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन। तो दोस्तों टीचर्स के लिए एनपीएसटी की स्थापना की जाएगी, जिसमें सभी शिक्षकों की नियुक्ति की क्या दशाएं होनी चाहिए, क्या मानक होने चाहिए, इसका भी एक व्याख्या या इसका इसके नियम बनाए जाएंगे। आगे चलेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, 2030 तक शिक्षक शिक्षा को कह रहा है कि 2030 में जैसे अभी कोई कचरा सा लोग बीटीसी चला रहे हैं, बीएड चला रहे हैं, सब खत्म कर दिया जाएगा, 2030 तक उच्च गुणवत्ता वाले और बहु विषयक विश्वविद्यालय या कॉलेजों को ही शिक्षक शिक्षा का कार्य सौंपा जाएगा। ये जो कचरा कॉलेज हैं, जो घटिया शिक्षा दे रहे हैं, पेपर आउट करवा दे रहे हैं, इनको पूरी तरह से दोस्तों क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। आगे देखेंगे, अगला देखिए, 2000 जो सर ने भी आपको बताया था कि इस नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए 2020 तक एक नया NCF आएगा, NCF 2020, इसका अर्थ है दोस्तों कि जब नया NCF आएगा तो आने वाले टाइम में जल्द ही NCERT की पुस्तकों में भी आपको क्या दिखेगा, बदलाव दिखेगा। आगे चले दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन समिति, ध्यान से सुनेंगे, अभी आपने सुना होगा दोस्तों, आपने सुना होगा आरटी ने, आपने जरूर सुना होगा SMC का वर्णन, किसका, SMC बोले तो विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम आपने सुना होगा, विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम बदल दिया गया है, विद्यालय कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमिटी। दोस्तों क्या हुआ, उन्होंने कहा कि क्यों बच्चे शिक्षा में ड्रॉप आउट होते हैं, क्यों जब कोई प्राइमरी पास करता है तो मिडिल स्कूल से तो कोई कांटेक्ट रहता नहीं दोस्तों, ना तो 12वीं से कोई कांटेक्ट रहता है, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जहां प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, मिडिल तथा सेकेंडरी लेवल की शिक्षा से जुड़े लोग होंगे, ताकि शिक्षा के संसाधनों को आपस में कई लेवल पर क्या किया जा सके, शेयर किया जा सके, क्योंकि बच्चे को सूचना का गैप नहीं होगा, इसलिए ड्रॉप आउट रेट को हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यह रहा दोस्तों स्कूल, ध्यान सुनेंगे, अब इसका नाम होगा विद्यालय कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति। कॉम्प्लेक्स क्या होगा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एक ग्रुप होगा ऐसे शिक्षण संस्थाओं का जो प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, मिडिल शिक्षा और सेकेंडरी शिक्षा सभी से क्या होंगे, जुड़े होंगे। दोस्तों आगे चलेंगे नेक्स्ट
और जैसा मैंने आपको बोला था चुनाव की बिल्कुल हाँ बाकी आपको बता ही चुका व्यावसायिक शिक्षा में सभी स्नातक कोर्स के साथ जोड़ा जाए। हाँ यस गाइस देखिए एक बहुत बड़ा और बदलाव लाया गया है जो आपको इसीलिए मैं दिख रहा था कौन कौन से पॉइंट नहीं हुए हैं। हमारे देश में दोस्तों व्यावसायिक शिक्षा शून्य है। किस स्तर पर? हायर एजुकेशन पर। मैंने आपको पहले बताया कि हायर एजुकेशन पर प्रोफेशनल शिक्षा पूरी तरह शून्य है दोस्तों। तो आने वाले कुछ वर्षों में आई मीन इट्स अप टू आई थिंक 2030 तक 2030 तक दोस्तों प्रत्येक स्नातक विषय चाहे आप कॉमर्स लो चाहे आप साइंस लो चाहे आप आर्ट लो इन सब के साथ आपको विकल्प मिलेगा व्यावसायिक शिक्षा पाने का क्योंकि उनका टारगेट है कि 2030 तक देश की लगभग 50% स्नातक करने वाली छात्र शक्ति कर रही हो कैसा कोर्स व्यावसायिक कोर्स। उनका कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप डिग्री नहीं पूरी कर पाए या आपको डिग्री पर नौकरी नहीं मिली तो आपका यह व्यावसायिक डिप्लोमा या व्यावसायिक कोर्स आपकी रोजी रोटी चलाने में क्या कर सके मदद कर सके। ओवरऑल दोस्तों आधुनिक शिक्षा की वकालत की गई है। और चलेंगे दोस्तों एक बार और सुनेंगे आइए देखिए चलेंगे बिल्कुल देखिए दोस्तों अभी आशीष सर ने आपको शिक्षा का अनुपात बताया था किस पे प्राथमिक स्तर पर और बारहवीं पे। दोस्तों उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में ध्यान सुनेंगे बिल्कुल देखिए जैसे दोस्तों आपने सुना होगा जैसे आपको एनटीए नेट जेआरएफ कराती है उसी तरह से एनडीए की अभी यह जिम्मेदारी होगी अगर आप जैसे आप ग्रेजुएशन प्रवेश ले रहे हैं तो जैसे जेआरएफ नेट एग्जाम होते हैं उसी तरह से एनटीए जैसा मैंने आपको बीच में बोला भी था एक प्रवेश परीक्षा आयोजित कराएगा या साल में दो बार होगी इसे हम कॉमन एडमिशन टेस्ट कर सकते हैं या आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन कर सकते हो। इसी के स्कोर कार्ड के आधार पर ही आपको विश्वविद्यालय में क्या मिलेगा प्रवेश मिलेगा यह जानकारी मुझे ऑलरेडी देवेंद्र सर ने दी। दोस्तों चलेंगे आगे चलेंगे नेक्स्ट आगे देखिए अब कुछ और पॉइंट जल्दी जल्दी सुन लेंगे ताकि मैं चाहूं सारे पॉइंट आ जाए। हाँ मैं बात कर रहा था उच्च शिक्षा में दोस्तों उच्च शिक्षा में जो शिक्षक छात्र अनुपात है क्योंकि वहां बहुत सोचने की जरूरत है वहां तार्किक क्षमता की जरूरत है वहां चर्चा बहुत मायने रखती है इसलिए उच्च शिक्षा पर शिक्षक छात्र अनुपात को दोस्तों बहुत कम किया गया है 1:10 का अनुपात रखा गया है 1:10 या बहुत बुरी हालत में 1:20 का अनुपात रखा गया है। मतलब बेसिकली उच्च शिक्षा पर शिक्षक ज्यादा अवेलेबल होने चाहिए ताकि छात्र ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों से क्या कर सके इंटरेक्शन कर सके। अगला देखेंगे दोस्तों यस बिल्कुल हाँ देखिए दोस्तों जैसे अब क्या हुआ उन्होंने क्या बोला भैया जो आश्चर्य ने आपको बताया था दोस्तों आपको उन्होंने क्या बोला भाई प्राथमिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा में खेलों द्वारा गतिविधियों द्वारा सिखाया जाए तो क्योंकि अभी हमारी नई पीढ़ी जैसे आप पढ़ के आए हो तो आप कक्षा एक के लिए पढ़ के आए हो आपको ईसीसी के लिए तैयार नहीं किया गया है तो उन्होंने कहा भाई जो नए टीचर घुसेंगे किसमें ईसीसीई में से कैसे पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा ऐसे शिक्षकों को बेहतरीन टीचिंग मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए नेशनल टीचर पोर्टल बनाया जाएगा नेशनल टीचर्स पोर्टल। देखेंगे दोस्तों इसमें यह एक ऑनलाइन वेबसाइट हो सकती है ऑनलाइन सर्वर हो सकता है या ऑनलाइन एक ऐसा एजेंडा हो सकता है जिसमें प्रत्येक शिक्षक को ईसीसी से जुड़े मटेरियल को वहां की लोकल भाषा में पढ़ने को मिलेगा। जैसे कोई मान लीजिए दोस्तों मैंने आपको पहले बोला कि त्रिभाषा फार्मूला की बात की गई है बच्चे को उसकी भाषा में। अब क्या हुआ जैसे कुछ भाषाएं ऐसे हैं जहां लिटरेचर उपलब्ध नहीं है तो उन्होंने कहा मैटर ट्रांसलेट कराए जाएंगे एनसीईआरटी की किताब को लोकल लोग ट्रांसलेट करेंगे पर उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकें जो अब तक सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ हिंदी में थी उनका अनुवाद कराया जाएगा और उन्हें फाइनली कहां डाल दिया जाएगा नेशनल टीचर पोर्टल पर जहां की आपका टीचर इसे बेहतरीन गुणवत्ता वाले मटेरियल को सीख सके और बच्चों को क्या कर सके पढ़ा सके। दोस्तों आगे चलेंगे
अब दोस्तों अब कह रहा है कि यह सारे टीचर आपस में शेयर कर सकें, इसलिए दोस्तों क्या बताया जाएगा आपको, इन्होंने एक एक, एक चीज बनाने के लिए कही है, आई एम गोइंग टू राइट डाउन दैट, यस, इसको उन्होंने कहा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर फॉर, माफ करेंगे, फॉर नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग, और इसको शॉर्ट में कहा गया है दीक्षा, दीक्षा, देखिए दीक्षा क्या, कि जो डिजिटल पोर्टल पे जो मटेरियल होगा जिसे टीचर पढ़ेगा उसे कहा गया है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, क्योंकि यहां पे दोस्तों बहुत सारे टीचर आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, मैटर का फायदा उठा पाएंगे, इसलिए इसको नाम दिया गया है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और आगे चलेंगे दोस्तों, यह दीक्षा का होगा। और अगला, यस बिल्कुल दोस्तों, सेकेंडरी एजुकेशन पर त्रिभाषा फार्मूला अपनाया जाएगा। क्या अपनाया जाएगा दोस्तों? त्रिभाषा फार्मूला अपनाया जाएगा, लेकिन एक चेंज आएगा, फटाक से देखेंगे जल्दी से 10 मिनट और, एक चेंज आएगा दोस्तों। त्रिभाषा फार्मूला ध्यान सुनेंगे, त्रिभाषा फार्मूला में आज तक क्या होता था कि तीन भाषाएं कौन कौन होगी इसका निर्णय खुद कौन करेगा, राज्य करेगा, केंद्र कोई दबाव नहीं डालेगा। फिर से सुनेंगे, त्रिभाषा फार्मूला में दोस्तों फिर भी उन्होंने कहा प्रेफर की जाएगी कि दो भाषाओं में, एक तो राज्य की लोकल लैंग्वेज हो, मातृभाषाओं पर अगर ऐसा नहीं है तो उन तीन भाषाओं को पहली बात तो राज्य निर्धारित करेगा, और दूसरी बात अभी आपको एक नई चीज मिलेगी, क्या, विदेशी भाषा में डिप्लोमा, विदेशी भाषा पढ़ने का मौका, पढ़ने का मौका आपको किस पर मिलेगा? 9 से 12वीं के लेवल पे मिलेगा। जैसे अब आप रशियन पढ़ना चाहते हो, फ्रेंच पढ़ना चाहते हो, तो जनरली ऐसे डिप्लोमा यूनिवर्सिटीज में होते दोस्तों, पर अब यह विदेशी, मतलब इन तीन भाषाओं के अलावा, इन तीन भाषाओं के अलावा अगर आप कोई विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं तो आपको इसकी भी व्यवस्था अब आपको कक्षा 9 से 12 के बीच क्या होगी, दी जाएगी दोस्तों। यह एक और प्रावधान है। और चलेंगे आगे, नेक्स्ट, बाकी आई थिंक आई हैव टेकन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइज। अब एक बार ध्यान से सुनेंगे, दोस्तों हां मैं आपको इसकी कुछ शुरुआती लाइनें पढ़ के बताता हूं, लास्ट के तीन पॉइंट ध्यान से सुनेंगे, मैंने वैसे काफी ज्यादातर ले लिया है। देखिए, रोजगार के बदलते हुए परिदृश्य को देखते हुए यह जानना जरूरी नहीं है कि आप क्या सीखें, सॉरी आपने सीखा कि नहीं, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि कैसे सीखना है। और कैसे सीखना, एक बार ध्यान सुनेंगे, सीखने के लिए सामग्री कम, समस्या समाधान आपको बता ही चुका हूं मेरे ख्याल से, हाँ यस, शिक्षा में खेल गतिविधियां, स्वास्थ्य, भाषा, साहित्य, संस्कृति, ये भी मैंने ले ही लिया है दोस्तों मेरे ख्याल से, आई हैव टेकन ऑल द पॉइंट्स। और दोस्तों लास्ट में एक बार आशीष सर वाले मैटर पर वापस चलेंगे दोस्तों, ताकि हम इसको लास्ट में आपको कुछ जरूरी बातें मैं कवर कर सकूं। क्या हम इसे खोल लेंगे इसको? चलिए दोस्तों एक बार फटाक से जल्दी से 2 मिनट आपको ऊपर से नीचे ले आते हैं, चलिए एक बार शुरू करते हैं। ये आपको समझ चुके हैं, देखिए ये कह रहा था आपको, ध्यान सुनेंगे, 5 मिनट जल्दी से देखें, इसमें 3 वर्ष ECCE के होंगे, देखिए इसमें 3 वर्ष ECCE के होंगे, यह 3 वर्ष किसके होंगे दोस्तों? ECCE के होंगे, ECCE, और अगले 2 वर्ष होंगे कक्षा 1 और कक्षा 2, मेरे ख्याल से सर ने लिया ही हुआ था इसे, आई थिंक इट्स ऑल राइट दोस्तों, यस इट्स ऑल राइट, सर ने ज्यादातर पॉइंट्स ले लिए हैं दोस्तों मेरे ख्याल से, आई डोंट थिंक आई नीड दोस्तों। हाँ, और एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा, एक बार दोस्तों मुझे बताएं ऐसा लगा चंद्रा इंस्टीट्यूट का यह प्रयास, और मुझे यकीन करता हूं दोस्तों अब तक का यह सबसे अपडेटेड वर्जन होगा और आपको बेहतरीन दोस्तों नॉलेज दिया गया होगा, तो मुझे दोस्तों एक बार जरूर बताएं ऐसा लगा यह चंद्रा इंस्टीट्यूट का प्रयास आपको, और
दोस्तों लास्ट में आपको बता देता हूं एक जरूरी बात, आप में से काफी लोग पूछ रहे हैं सर कैश कोर्स अवेलेबल है कि नहीं, तो दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए एक बार जल्दी से। चलिए एक बार ध्यान से सुनेंगे, दोस्तों 31 आपको डेट बढ़ा दी गई है 6 जुलाई साफ कर दी, ठीक है। दोस्तों पहली बात तो आप जान लें कि कोरोना की वजह से 6 अगस्त को खुलेगी कोचिंग, ध्यान सुनेंगे। आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप लोग क्लास क्यों ले रहे हैं, दोस्तों मैं और आशीष सर क्लास ले रहे हैं, एक आध लोग ले रहे हैं, बाकी मैक्सिमम टीचर को छुट्टी ले दी गई है कि हम देखिए क्या है दोस्तों, हमने एक संभावना पर कोचिंग बंद की। संभावना पे क्यों, क्योंकि शिक्षकों का स्वास्थ्य दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें लगा कि एक बार चेन देखिए दोस्तों हमारे लाइव रूम में 40-45 लोग हमेशा रहते हैं, हमने उस चेन को तोड़ा है, इसे मैं आता हूं और आशीष सर 2 दिन से, वरना मैं अकेले ही क्लास ले रहा था। दोस्तों हम लोग इसको कम कर रहे हैं, कम लोग आए और कम लोग रहे लाइव रूम में। पहली बात आपको क्लेरिफिकेशन दे दूंगा, जो कह रहे थे सर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, तो दोस्तों सारे टीचर अवेलेबल नहीं है इसलिए क्लासेज लाइव नहीं चला रहे हैं। दोस्तों काफी लोगों को छुट्टी दे दी है कि थोड़ा ये चैन टूट जाए। देखिए दोस्तों हम आप स्वस्थ रहेंगे तभी हम आपको पढ़ा पाएंगे। दोस्तों यह जान माल की बात है यार, किसी की लाइफ को कुछ हो गया तो कोई दोबारा उसे जिंदा नहीं कर पाएगा। हर आदमी अपने परिवार के लिए, जैसे आपके लिए टीचिंग दोस्तों लर्निंग टीचिंग मायने रखती है, वैसे ही बाप के लोगों के लिए स्वास्थ्य मायने रखता है। देखिए दोस्तों अभी आपको यह सुविधा जो मैंने आपको बताया था कि चंद्रा इंस्टीट्यूट के सभी कोर्सेज दोस्तों आपको 5 जुलाई तक, ध्यान सुनेंगे, 5 जुलाई तक 30% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। दोस्तों कितने परसेंट पे मिल रहे हैं, 30% डिस्काउंट मैंने आपको ये बढ़वा दिया है दोस्तों। और 10 अगस्त, ओह सॉरी 5 अगस्त, माफ करेंगे दोस्तों 5 अगस्त तक आपको मिल रहे हैं। मैं थोड़ा इसको मोटा करना चाहूंगा, यस दोस्तों 5 अगस्त तक आपको 30% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। और आसान है इसको पाने के लिए आपको चंद्रा इंस्टीट्यूट का, मैं आपको हर एक क्लास बताता हूं, आपको चंद्रा इंस्टीट्यूट का दोस्तों ऐप इंस्टॉल करना है और उस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर, और गूगल प्ले स्टोर आपको लिखना है दोस्तों सिंपली चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। और जैसे ही आपको यह ऐप दिखे आपको इस ऐप को क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको साधारण सा काम करना है, क्रिएट अकाउंट जाना है, क्योंकि आपको अकाउंट तो जानते ही है भाई, कोई भी ऐप आप इंस्टॉल करते हो तो आपको अकाउंट बनाना ही होता है, सिंपल है। आपको यहां सिंपल मैं रोज बताता हूं, आपको योर नेम डालना है, योर मोबाइल नंबर, दोस्तों मोबाइल नंबर इसलिए डलवाते ताकि आपको एक यूनिक क्या जनरेट हो सके, ओटीपी जनरेट हो सके। उसके बाद आपको खुद से बनानी है क्या यूजर आईडी, और खुद ही आपको अपना क्या बनाना है दोस्तों पासवर्ड बनाना है। इस तरह से आप रजिस्टर हो जाओगे, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है कोई भी क्या चार्ज। मैं बार बार बताता हूं चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऐप से जुड़ने के लिए आपको कोई पैसा नहीं पे करना है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको चार्ज कब देना पड़ेगा, जब कोई आप खरीदोगे क्या कोर्स, तो जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे रजिस्टर कर लेंगे तो दोस्तों आपको जब इसे आप दोबारा ओपन करेंगे तो आपको यहां कोर्सेज की क्या दिखेगी, लिस्ट दिखेगी। तो आपको जो भी कोर्स खरीदना है, मान लीजिए जैसे आपको यूपीटीटी खरीदना है या आपको बीईओ खरीदना है या आपको सीटीटी दोस्तों खरीदना है या आपको लेखपाल खरीदना है, दोस्तों बहुत सारे हम 15 से ज्यादा लाइव क्लासेस दे रहा है चंद्रा इंस्टीट्यूट दे रहा है, तो आपको इसके फुल कोर्स में परचेज करना है। जैसे आपको यूपीटीटी पे क्या देखना है, यूपीटीटी फुल कोर्स, जब आप इससे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा इसका टोटल फी, ध्यान से देखेंगे, यहां आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यहां आपको टोटल फी दिखेगी। तो प्रश्न है कि आपको 30% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे दोस्तों हम चलेंगे, कुछ सूचना ये पर एक बार इसको हम बात कर लेंगे। तो टोटल फी में आपको कैसे मिलेगा 30% डिस्काउंट, तो दोस्तों टोटल फी पे करने से पहले आपको वहां पर एक ऑप्शन आएगा अप्लाई कूपन कोड, देखें अप्लाई कूपन कोड, और अप्लाई कूपन कोड में आपको डालना है C2020।
आपको सी कैपिटल में डालना है 2020। यह वो कूपन कोड है जो आपको 30% की क्या दिलाने वाला है, छूट दिलाने वाला है। जैसे ही आप इसे डालेंगे आपका, जैसे मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं, तो सोचिएगा फीस बता रहा हूं, मान लीजिए आपके किसी फीस की टोटल फी क्या है 5000, तो जैसे ही आप इसे डाल देंगे तो 30% 1500 लेस हो जाएगा, अपने आप आपकी फाइनल अमाउंट कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3500 आ जाएगी। मतलब कि चाहे जो भी कोर्स लेंगे यह कोड डालते ही आपका 30% क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यह आसान है दोस्तों। फिर इस तरह से आप कोर्स को क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। अब प्रश्न है कि वंस यू हैव परचेज्ड अ कोर्स तो आप कैसे देखेंगे लाइव क्लास, तो हाउ टू वॉच लाइव क्लास। तो दोस्तों जब आप परचेज कर लेते हो तो आपको सिंपल सा अपने होम बटन पे जाना है, यू हैव टू गो ऑन द होम बटन। और दोस्तों जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे इनफैक्ट आपको पास आएगा एक ऑप्शन, क्योंकि अब आपने कोर्स परचेज कर लिया है तो आपको परचेज कोर्स या परचेज वीडियो कोर्स, अगर अपडेट हो गया होगा शायद परचेज वीडियो है, तो दोस्तों यह ऑप्शन मिलेगा। बस आपको इस ऑप्शन को क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद जब अपने आप ऑटोमेटिकली जो कोर्स आपने खरीदा होगा चंद्रा इंस्टीट्यूट का, यह ऑटोमेटिकली कहां आ जाएगा, परचेज वीडियो कोर्स में, देन यू कैन क्लिक गए और यहां से आप आराम से लुत्फ उठा सकते हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेज का। तो ये रहा दोस्तों, दिस वाज द इंफॉर्मेशन। और दोस्तों फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इफ यू गाइस आर गेटिंग कंफ्यूज, दीज आर द नंबर्स, ये दोस्तों नंबर्स हैं, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट ऑन दीज, दिस इज द नंबर एंड देयर इज वन मोर नंबर 9936444560। दोस्तों यह नंबर्स हैं जहां पे आप इन द केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू गाइस कैन जस्ट गिव अ व्हाट्सएप मैसेज, आप व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं दोस्तों। एंड देयर इज वन मोर ऑप्शन, अगर आपको दिक्कत है आप कॉल करना चाहते हैं तो दिस इज द नंबर फॉर कॉलिंग 9305077569। यह नंबर है वेर यू कैन कॉल डायरेक्टली इन द केस ऑफ एनी कंफ्यूजन। अदरवाइज दोस्तों पूरी तरह से यूजर फ्रेंडली मैं आपको बोलूंगा, दोस्तों हमारा चंद्रा इंस्टीट्यूट का यह जो ऑनलाइन ऐप दोस्तों यूज करते हैं, दिस ऐप इज टोटली यूजर फ्रेंडली, आई मीन यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। यह आसान है, आप साधारण चरणों में यूजिंग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यू कैन बाय दिस कोर्स एज वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड दोस्तों वन मोर थिंग, एज देवेश सर हैज टोल्ड मी, दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, इनफैक्ट आई वॉज अबाउट टू सम अप दिस सेशन। देखिए दोस्तों पहली बात, यह शिक्षा नीति, आप में से काफी लोग अभी भी लाइव है दोस्तों, तो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस थिंग, यस अभी आप में से 2500 लोग लाइव है, ध्यान सुनेंगे दोस्तों। यह शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए लाई गई है, यह किसी बंदे को बाहर करने के लिए नहीं लाई गई है, और इस बात को दोस्तों आपको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुनिए दोस्तों, क्या कहा गया है, देखिए थोड़ा बातचीत करूं दोस्तों बहुत डिटेल में, अभी तो पूरी रात ही निकल जाएगी पढ़ाते पढ़ाते। बात देखिए, एक पॉइंट कहा गया है, आपने साइकोलॉजी मेरे साथ पढ़ी है दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था कि बच्चे का मस्तिष्क सिर्फ शैशवावस्था में 85-90% का हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो क्या कहती है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो कहती है जब भैया केवल 6 वर्ष से पहले ही 85-90% विकसित हो जाता है तो क्यों ना ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जो 6 वर्ष से पहले दी जाती हो। इसलिए दोस्तों क्या बात की गई है, ECCE, क्या प्रारंभिक बाल देखरेख एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो दोस्तों उन्होंने इसलिए जोर दिया किस पर, दोस्तों 3 वर्षीय जो 3 से 6 वर्ष की ECCE होगी, यह बहुत मायने रखती है, हर चीज की दोस्तों एक वजह है। और दोस्तों यकीन करिए यह भारतीय शिक्षा में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। और डरे ना दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप UPTET कॉल, भाई मैं क्या बोलता हूं, एक बार फिर से स्ट्रक्चर दिखाता हूं, क्या है आपको क्वालिफाई करना है टेट, आपको क्वालिफाई करना है STT, आपको डेमो क्लास लास्ट में, डेमो क्लास या फिर आपको इंटरव्यू। ध्यान रखेंगे दोस्तों इंटरव्यू को नहीं कंफर्म किया गया है, पहला तो ये मत डरे आप, इंटरव्यू ऑप्शनल है किसके साथ, डेमो क्लास के साथ, मतलब या तो आपका डेमो क्लास होगा समझे जाइए, या तो आपका इंटरव्यू होगा, दोनों नहीं होगा दोस्तों, पहली बात जान ले, आई मीन ये 3 ही स्टेप हैं। और यह दोस्तों तो आप पहले ही कर रहे थे यार,
अब आप इसको क्यों काउंट कर रहे हो? आपको सिर्फ ये 3 स्टेप पॉइंट का है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूं यार, एक बात बताइए, आप बीएड जब करके आओगे कि आपके अंदर टीचिंग, दोस्तों आपसे बेहतर कौन पढ़ा सकता है यार? आपको तो रेडी ही किया। अभी बताओ कोई एमबीए करके आए तो ना पढ़ा पाए तो समझ में भी आता है, आप तो बीए करके आ रहे हो, आपको बताया ही गया है कैसे पढ़ाना है। दोस्तों यह आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लडी प्रॉब्लम, नो, यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों आप डेमो क्लास देना आपके बाएं हाथ का किले, थिंक पॉजिटिव यार दोस्तों, थोड़ा सकारात्मक भी सोचिए। अब अगर आप इसको लेकर बहुत कह यार इतना लंबा, क्या लंबा कर दिया यार, यह परीक्षा थोड़ी है यार, यह कोई परीक्षा नहीं दोस्तों। उन्होंने यह भी साफ नहीं किया है कि आपका इंटरव्यू होगा, नहीं कहा है, उन्होंने कहा है डेमो। एक बार बताइए भैया, अरे यार डेमो क्लास से बड़ा इंटरव्यू क्या है भाई? एक टीचर को आप हायर कर रहे हैं, मान लीजिए हम ही अपने कोचिंग में किसी को हायर करते हैं, हम उससे खूब पूछते भैया आपने कहां कहां पढ़ाया, पर दोस्तों फिर भी वागे सर करें भैया काम करिए आरपी सर, उसे डेमो क्लास बनवा लीजिए। तो दोस्तों क्यों? क्योंकि वही प्रैक्टिकल टीचिंग का उदाहरण होता है, तो ये चीज तो नॉर्मल है यार, नई बात क्या है। और दोस्तों दूसरी बात क्या है, टेट सुपर टेट आप पहले से ही दे रहे हो, तो जो गाइस जो अभी आप देखिए सोचिए तमाम राज्यों में लोग कर रहे साहब, यूपी में सुपर टीटी आ गया, कहीं नहीं आया, बिहार में आ गया, ये पिछड़े हुए राज्यों में, अब आपको समझ में आ गया पूरे भारत में सुपर टीटी होगा, क्या बात समझ गए दोस्तों? तो एकदम कमर कस लीजिए। और दूसरी बात क्या है, बीएड तो दोस्तों हमेशा ही कर रहे थे आप, इसमें नई बात क्या, आई डोंट दिस ए पॉइंट टू बॉदर्ड अबाउट, नो, इसे कुछ भी चिंता करने वाली बात नहीं है दोस्तों। आशा करता हूं, देखिए दोस्तों देवेंद्र सर ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी, आपको सुनाना चाहूंगा। अध्यापक पद की योग्यता का निर्धारण और भर्ती के नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, अभी इंटरव्यू को लेकर ना परेशान हो। जो बात मैंने कही वही सर भी कह रहे हैं। दोस्तों मैंने क्या बोला कि देयर इज डेमो क्लास और अथवा या फिर क्या इंटरव्यू, आई मीन दोनों नहीं लिया जाएगा। हो सकता है राज्य सरकार डेमो क्लास कर दी, या हो सकता है, अभी देखिए दोस्तों यह अभी एक विधेयक है, आपको मैंने कई बार बताया जब तक कोई चीज कानून नहीं बन जाती उसे हम बिल कहते हैं, अभी इसे सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिली है, यह कानून तब बनेगा जब यह लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, साथ ही साथ फाइनली राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, हो सकता है कुछ संशोधन भी हो, लेट्स वेट फॉर दैट। चलिए, और दोस्तों प्लीज एक बार जरूर लिखिए चंद्र इंस्टीट्यूट के कमेंट सेक्शन में जाकर आपको इस वीडियो के कैसा लगा, चंद्रा इंस्टीट्यूट का यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर किया गया यह लंबा चौड़ा प्रयास, जिसमें दोस्तों हमने कोशिश की, मैंने और आशीष सर ने आपको व्याख्या देने की कोशिश की। तो प्लीज एक बार दोस्तों जरूर लिखें चंद्रा इंस्टीट्यूट का यह प्रयास आपको कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं आरपी मिश्रा आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। दोस्तों चलिए, मस्त रहिए दोस्तों, खुश रहिए, आशावादी बनिए। शिक्षक बनना दोस्तों एक बहुत ही सम्मान का काम है, डोंट बी निगेटिव अबाउट दैट। थैंक यू, गुड नाइट गाइज, गुड नाइट, गुड नाइट अलॉट गाइज, थैंक यू। वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे अधिकांश परीक्षार्थी परीक्षा देने के बाद ये पश्चाताप करते हैं, काश मैंने इस तरह से पढ़ा होता, काश मैंने फला इंस्टीट्यूट से गाइडेंस ली होती। ये पश्चाताप हमें परीक्षा देने के बाद होता है। दोस्तों ये जिंदगी है, अभी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी जीवन का सारा सार बाकी है। चंद्रा इंस्टीट्यूट से जुड़ना तो आपका पहला कदम होगा, आगे पूरा किताब बाकी है। किसी कोचिंग संस्थान का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू फैकल्टी होती है, उनके कंटेंट तथा समझाने के तरीकों को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। मैं विश्वास ही नहीं, पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं कि आप चंद्रा इंस्टीट्यूट की स्वयं फैकल्टी को देखिए, 15 से अधिक कोर्सेज की लाइव क्लासेस चल रही है। चंद्रा इंस्टीट्यूट अन्य इंस्टीट्यूटों से बेहतर क्यों? बाद में पश्चाताप करने से अच्छा है कि आप चंद्रा जैसी मेहनती टीम का सही समय पर पहचान करें, क्योंकि आप जितना देर गलत रास्ते पे जाते हैं उतना ही समय लगेगा आपको उस रास्ते पर वापस आने। गुड की जगह बेस्ट को चुनिए, इसलिए करियर को अब दीजिए नई पहचान चंद्रा इंस्टीट्यूट के साथ। दोस्तों सबसे अच्छा है कि आप डेमो देखें और स्वतः आकलन करें। डेमो के लिए टेलीग्राम या चंद्रा इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल कर लें या हमें कॉन्टेक्ट करें इन नंबरों पर 8400333261। I was ever a fighter, so one fight more for the best and the last guys. And thank you. Thanks a lot. Join.